हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं इस उम्मीद सीरीज के अंदर। वन शॉट में हम बेसिक से लेके जाएंगे और जितने भी इनडायरेक्टली थोड़ा घुमा के कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल क्लियर है? कुसुम, वासु, मुरसला, सिद्धार्थ, ग्रेट ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है, इसके बारे में पहले मैं दो बातें करूंगी, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। एक, ये जबरदस्त स्कोरिंग चैप्टर है। मैं स्कोरिंग क्यों बोलती हूँ, क्योंकि एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। कुछ जनरल सी बातें होंगी, कहानी की तरह पढ़ेंगे, रोजमर्रा की बातें जो हर गांव पे हर गली पे बैठे हुए लोग आपस में डिस्कस करते हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बातें करेंगे। फिर बस कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ना है, गर्भ निरोधन, थोड़ी सी बात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की करनी है, इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, यानी बहुत एक छोटा सा चैप्टर है जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस कम से कम आते हैं। हालांकि इस साल चैप्टर्स कम हो गए, हो सकता है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाए। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है, छुटपू सा चैप्टर है, हंसी खेल का चैप्टर है, बस यू मस्ती मस्ती में क्लास हो जाएगी। और दूसरा रीजन, ये वो काम है जो मैं डेली करती हूँ। आप सबको पता है मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग गायनेक हूँ और IVF इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। तो इनफर्टिलिटी तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, मतलब हार्डली 20 मिनट्स में, कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और वहां से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी बताऊंगी। हम इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं वो भी। क्या कॉन्ट्रोवर्सी रही है, अगर दोबारा एग्जैक्ट रिपीट हो गया तो क्या आंसर लगाना है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक्साइटेड है सब लोग मेरे साथ? चलिए आइए तो हम करते हैं उम्मीद सीरीज के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट। अब सबसे पहले, आशीर्वाद के बिना तो अपनी कोई क्लास आज तक शुरू हुई नहीं है, जो हो जाए जीवन में आशीर्वाद के बिना आखिर होता ही क्या है। तो आइए मेरे नारायण परिंदो, चेहरे पे फुल स्माइल, आंखों में चमक, दिल में पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस वाइट एप्रन के लिए अपनी बायोलॉजी माता का, अपनी बायोलॉजी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। आज तो धूम मचा देंगे। इस चैप्टर के नाम में 2 शब्द हैं, रिप्रोडक्टिव और हेल्थ। हेल्थ का क्या मतलब है, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? पहले ऐसा मानते थे कि अगर शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो हेल्दी है। मजे लेके पढ़ो, बस NCERT अपनी साइड में रख लो, बस सारे असर्शन रीजन भी करा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन बाद में सही समझ आया डॉक्टर्स को कि ऐसा थोड़ी ना है कि एक इंसान मान लो फिजिकली बिल्कुल अच्छा है, पर उसे मानसिक तनाव है, उसे बहुत सामाजिक दबाव है, दोस्त से झगड़ा हो गया है, रिश्तेदार लगातार ताने मार रहे हैं, तो भी वो हेल्दी नहीं है। यानी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, लोगों का जो बर्ताव है, बिहेवियरल हेल्थ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल भी और रिप्रोडक्शन से संबंधित भी। यानी हमारे पास ऐसे बहुत कपल्स आते हैं जो फिजिकली नॉर्मल हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे, उस कारण मानसिक दबाव है, समाज का दबाव है। तो रिप्रोडक्शन की मेंटल हेल्थ उनकी खराब है, उनकी सोशल हेल्थ खराब है, बिहेवियरल हेल्थ खराब है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जी हाँ, WHO ने क्या कहा, WHO ने ये कहा कि हम कब कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी। अच्छा स्टूडेंट जी बताओ, आपको लाइट ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है क्या? क्योंकि मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करी है ताकि आपकी आईज पे स्ट्रेन ना आए और आपको NCERT की लाइंस अच्छे से दिख जाए। इज इट ओके, ब्राइटनेस ओके है क्या? सो WHO ने ये कहा है कि टोटल वेल बीइंग होनी चाहिए हर तरफ से, सिर्फ शारीरिक नहीं, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ रिप्रोडक्शन, टोटल वेलबींग। अब टोटल वेलबींग का क्या मतलब है? चार एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? 4 एस्पेक्ट्स हम ट्रिक से याद रखेंगे, पेब्स मतलब फिजिकल हेल्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह बराबर काम करें, इमोशनली किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और बर्ताव लोगों का बिहेवियरल लेवल पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये 4 वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से याद हो गए हैं मेरे साथ क्लास में, याद करो, पेब्स, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल पेब्स।
प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। कुछ बातें मैं पहले एनसीईआरटी में समझा के मार्क कराऊंगी, कहानी की तरह सुनना, हम असर्शन रीजन भी मार्क कर लेंगे और फिर हम डिटेल में यहां पर फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो सारे नादान परिंदो। चलिए आती तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब देखिए एनसीईआरटी, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगर एक सोसाइटी समाज के अंदर सारे हेल्दी लोग रहेंगे तो नेचुरली सोसाइटी भी हेल्दी होगी, सोसाइटी हेल्दी होगी तो लोग अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, पैसा कमाएंगे और ग्रोथ होगी। भाई सिंपल सी बात है, किसी लड़की को बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन हो रहा है, वो बेचारी काम पे नहीं जा पाएगी, काम का हर्जा होगा, लॉस होगा। तो बस यही बात यहां पर लिखी गई है कि अगर एक सोसाइटी में सारे लोग हेल्दी हुए तो वो सोसाइटी भी हेल्दी होगी, और जब सोसाइटी हेल्दी होगी, क्यों जरूरी है सोसाइटी को हेल्दी रखना, सोसाइटी को हेल्दी रखना इसीलिए जरूरी है ताकि अच्छे से वर्क हो सके। क्लियर है सबको? अब आइए समझिए, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है अच्छे से? प्लीज एक बार मुझे बता दो, इज इट विजिबल? एनसीईआरटी आपके पास में है? प्लीज जल्दी से यस या नो कमेंट कर दीजिए। चल अब, इंडिया दुनिया में चंद देशों में से सबसे पहली कंट्री थी जहां पे पहली बार आजादी के 4 साल बाद यानी 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में स्टार्ट हुआ, मार्क करते जाना। अब फैमिली प्लानिंग के अंदर गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन की बात की गई थी, बसेस में, रेडियो पे, हर जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, एडवर्टाइजमेंट्स चले, बच्चे दो ही अच्छे, लोगों को जागरूक किया अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, गर्भ निरोधन के बारे में निरोध कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मालाडी मालाएं गोलियां दी जाने लगी सरकार की तरफ से मुफ्त में। यानी ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसमें हर 10 साल में इसे असेस करते थे कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके अकॉर्डिंग लोगों को जागरूक करते थे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। सो डिकेड मतलब हर 10 साल में इसका सर्वे कराते थे। लेकिन फिर लोगों को समझ में आया, सरकार को, गवर्नमेंट को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को समझ आया कि केवल गर्भ निरोधन केवल ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लड़के लड़की में भेदभाव होना, कन्या भ्रूण हत्या हो जाना, मेनोपॉज के बाद जो लेडीज में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी में औरतों में जागरूकता ही नहीं है, आज भी कई गांव में वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, होम डिलीवरीज कराते हैं, डिलीवरी के बाद भी चेकअप्स होने चाहिए कम से कम 3, क्योंकि पता पड़ा कुछ प्लेसेंटा रह गया है, कई बार वो जो हम कट देते हैं बच्चे निकालने के लिए एपिजियोटमी का कट आपको एमबीबीएस में सिखाएंगे, उसमें पता पड़ा यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स डैमेज हो गए, तो यूरिन पे कंट्रोल ही नहीं रहा मिक्चुरेशन पे। तो प्रेगनेंसी के पहले एंटीनेटल प्रीनेटल, प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल, ये चेकअप्स भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताना भाई 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली मां का दूध देना चाहिए, दाल का पानी पिला देते हैं, शहद चटा देते हैं। इसके अलावा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को लेकर स्पेशली जो 15 से 24 साल का वर्ग है, जो सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है, उन्हें बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है ताकि इस तरह के गुप्त रोग जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उसको कम किया जा सके। एड्स, एचआईवी, सेक्स क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इमरजेंसी गर्भ निरोधन के बारे में बताया जा सके, रिसर्च लगातार की जाए, जैसे सहेली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनी है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा, तब हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे। इसके लिए न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया गया, एड्स दिए गए, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑडियो विजुअल यानी रेडियो, टीवी, इन सब का यूज किया गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, माता पिता, वो भी गाइड करते हैं, और टीचर्स जो मैं यहां पर रोल प्ले कर रही हूं। तो इस तरह से पहले फैमिली प्लानिंग शुरू की थी 1951 में, बाद में इसका नाम बदलकर RCH कर दिया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें टीकाकरण भी आ जाता है, इम्यूनाइजेशन, इन सब की नॉलेज को इसमें इंक्लूड किया गया। तो पहले था फैमिली प्लानिंग, बाद में इसका नाम बदला RCH, इसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम।
इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसमें ऑडियो विजुअल की हेल्प ली गई, प्रिंट मीडिया की हेल्प ली गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सब एक दूसरे को इसमें, यहाँ पे रिलेटिव्स भी लिखा है, क्लोज रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स तो कितनी मदद करते हैं तो ईश्वर ही जाने। चलिए, इसके अलावा सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई स्कूल कॉलेज में। ये देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में करना चाहिए, अप्लाई क्यों करना चाहिए? ताकि बच्चों में जो भ्रांतियां हैं, मिथ हैं, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उसे तोड़ा जा सके। ये रीजन हो गया, क्लियर हो गया असर्शन रीजन, सब लोग मार्क कर रहे हैं मेरे साथ। इसके अलावा प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं देखती हूँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी फर्टाइल पीरियड की नॉलेज ही नहीं होती है। इवन हमारे पास इंजीनियर्स MBAs आते हैं जिन्हें एग्जैक्टली फर्टाइल पीरियड, ओव्यूलेशन का टाइम, उसकी नॉलेज ही नहीं होती है। एडोलेसेंस से रिलेटेड चेंजेस जो आते हैं प्लीज मार्क करो। सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, कॉन्डोम्स का यूज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, इन सब की नॉलेज, इन पॉइंट्स को प्लीज मेरे साथ साथ मार्क करते चलिएगा। इसके अलावा मैरिजेबल एज ग्रुप में जो लोग हैं या जो फर्टाइल कपल्स हैं उन्हें बर्थ कंट्रोल मेथड्स, गर्भ निरोधन की नॉलेज होनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी की केयर होना, पोस्ट नेटल केयर यानी डिलीवरी के बाद केयर होना, माँ की भी और बच्चे की भी, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस, लड़का लड़की को समान रूप से फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब कुछ इस RCH के अंडर आता है। नाउ यहां पर फिर से एक असर्शन रीजन आ गया। यही नहीं, इसके अलावा अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सेक्स अब्यूज हो सकता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम जैसे रेप हो सकते हैं, इनके बारे में भी लोगों को हमें जागरूक करना है, अवेयर करना है, ताकि हम इनसे बच सके और एक सामाजिक रूप से रिस्पॉन्सिबल समाज को खड़ा कर सके। ये रहा असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन, क्लियर है? चलिए, अब इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यानी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बढ़िया डॉक्टर्स, इसीलिए तो आप नीट दे रहे हैं ताकि एक्सपर्टीज डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करे ये कंट्री, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, अच्छी मशीन्स, ECG मशीन्स वगैरह, अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ये सब क्यों जरूरी है? ये रहा असर्शन रीजन का क्वेश्चन, क्यों जरूरी है ये सब कुछ? ताकि हम मेडिकल असिस्टेंस दे सके, केयर कर सके लोगों की सभी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आयामों में, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के टाइम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अबॉर्शन बहुत जरूरी है, क्लिनिकली हाइजीनिक रूप से अबॉर्शन हो ताकि यूट्रस वगैरह में इन्फेक्शन ना हो जाए, ताकि आगे प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम ना आए, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन सब के लिए हमें बढ़िया हॉस्पिटल्स, बढ़िया डॉक्टर्स और शानदार मटेरियल की जरूरत है। ये रहा असर्शन रीजन का क्वेश्चन। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस भी इसके अंदर आता है। एमनियोसेंटेसिस में भी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है और अगर फीटस पता चले फीमेल है तो बाद में MTP कराकर उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है, यानी फीमेल फीटीसाइड, फीटस को मारना, फीमेल फीटस को मारना। इस पर भी सरकार ने कहा हम लीगली चेक रखेंगे क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा है, तो इस पर कंडीशनल बैन लगाना, ये भी इस RCH प्रोग्राम के अंदर है। तो ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया, एमनियोसेंटेसिस पे स्टैचुरी बैन है, क्यों है? टू चेक इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड। इसके अलावा बच्चों का टीकाकरण भी इसी के अंदर आता है, इम्यूनाइजेशन भी इसी के अंदर आता है। चलिए आइए, तो अब हम पहले हेडिंग लिखिएगा, एमनियोसेंटेसिस को अंडरस्टैंड करते हैं। प्लीज हेडिंग लिखिए एमनियोसेंटेसिस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा रही। देखो समझो, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये फीटस है सपोज, इसके चारों तरफ एमनियन लेयर होती है, ये होती है एमनियन, और यहां ये जो खाली जगह है इसमें भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। अब जब एम्ब्रियो बनता है
तो एम्ब्रियो के ही कुछ सेल्स यहां पर आ जाते हैं, ये फीटस के ही कुछ सेल्स हैं, ये भी स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस के सेल्स हैं, फीटल सेल्स। एनसीईआरटी लिखती है एंड सम डिसॉल्वड सब्सटेंसेस, आपको इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, कुछ घुले हुए पदार्थ हैं और सेल्स हैं, यही सेल्स हमारी बॉडी में भी है। अब मान लो एक कपल है जिनके डाउन सिंड्रोम का एक बच्चा ऑलरेडी है, वो लेडी दोबारा प्रेग्नेंट हुई, वो नहीं चाहते हैं कि उनके फिर से डाउन्स बेबी हो, क्योंकि उसका बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए भी जीवन जीना, वो श्योर होना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस लेडी को जब उसकी करीब 3.5-4 महीने की प्रेग्नेंसी होती है, यानी 14-16 वीक्स प्रेगनेंसी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तब हम उसे बुलाते हैं, हम उसे ओटी में लेते हैं, हल्का सा लोकल एनेस्थीजिया देते हैं, जनरल भी नहीं, एक नीडल लेते हैं और नीडल को यहां पर डाल देते हैं। पता है क्यों? एक्चुअली 12 हफ्ते तक यूट्रस पेल्विक रीजन में ही होता है, 14-15 हफ्ते में हल्का सा ऊपर आ जाता है एब्डोमेन में, तो नीडल डालना इजी होता है, और उस नीडल को डालकर हम एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते हैं और उसे हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। उसके अंदर फीटल सेल्स भी हैं, यानी उसके अंदर हमारा सेल है। सेल मतलब, सेल में मुझे पता चल जाएगा जब मैं क्रोमोजोम की स्टडी करूंगी कि 44XX है या 44XY है। अगर वो डाउन्स होगा तो 21st क्रोमोजोम की कैरियोटाइपिंग करने पे आपको 3 कॉपी दिखेंगी, ना कि 2 कॉपी, तो पता चल जाएगा डाउन्स है। तो फिर क्या करें, कोई ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता जेनेटिक डिसऑर्डर का, बट हाँ, इस प्रेगनेंसी को यहीं पर अबॉर्ट कर दिया जाता है, एमटीपी कर दी जाती है, यानी इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको आप एमनियोसेंटेसिस से पता कर सकते हो। और अगर नहीं निकला, सब नॉर्मल है, तो आप उस लेडी को, कपल को तसल्ली दे सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एनसीईआरटी में 3 नाम दिए हुए हैं, मैं उसे SDH ट्रिक से याद रखती हूँ, SDH। सो सिकल सेल एनीमिया, आपको पता है जेनेटिक्स में पढ़ा है ये, क्रोमोसोम नंबर 11 में गड़बड़ होती है। डाउन सिंड्रोम, ये तो पता ही है, क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपी मिलेंगी ट्राइसोमी। हीमोफीलिया, एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। कोई भी जेनेटिक डिजीज, इवन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सब इससे पता चल जाएगा, सुपर मेल, सुपर फीमेल, सब पता चल जाएगा। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डायग्नोस्ड, तो आपको नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक बार जॉन्डिस ऑप्शन था, 3 जेनेटिक थे, 1 जॉन्डिस था, जॉन्डिस पीलिया। पीलिया वायरल इन्फेक्शन से होता है, अल्कोहल से होता है, लिवर डिजीज है, जेनेटिक से रिलेटेड नहीं है। एक बार क्लेफ्ट पैलेट आंसर था, एक्चुअली जो हमारे लिप्स हैं और तालू, पैलेट है, ये 2 हिस्सों में बनके जुड़ता है, कई बार पूरा अच्छे से नहीं जुड़ता तो ऐसा दिखता है, तो ये भी सोनोग्राफी में दिख जाएगा, लेकिन इसका जेनेटिक बेसिस नहीं है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, 14-16 हफ्ते प्रेगनेंसी पर करते हैं, एक्चुअली 14-18 पे करते हैं, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीटल सेल्स एंड सम डिसॉल्वड सब्सटेंसेस। अब प्रॉब्लम क्या है समझो, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप क्रोमोसोम देख सकते हो तो आप 44XX या 44XY भी देख सकते हो, यानी ऑफन मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई इसको एमनियोसेंटेसिस करवाया, देख लिया XX है या XY है, और अगर XX है तो MTP करा दी, तो सरकार ने बोला भाई इस पे तो बैन लगाना पड़ेगा। पर अगर मैंने बैन लगा दिया, टोटल बैन, तो उन कपल्स का क्या होगा जिनके ऑलरेडी एक डाउन्स है, जो बेचारे घबरा रहे हैं, कहीं सेकंड भी डाउन्स हो गया तो पैदा होने के बाद थोड़ी ना मारेंगे। तो सरकार ने कहा कि हम इस पे लगाएंगे स्टैच्यूरी बैन, मतलब सिचुएशनली की जा सकती है। एक्चुअली पता है, जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो हम लोग क्लिनिक पे पूरा एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हम क्यों एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं। अगर हम लिखेंगे ना कि पहला बच्चा डाउन है, तो उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई जाती है, तो व्हाई यू आर डूइंग। कभी कभी सेक्स डिटर्मिनेशन की परमिशन भी मिलती है, अगर वो सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स क्रोमोसोम वाला। एनीवेज, मजे आ गए,
चिन्मय मैम आपसे पढ़कर 360 से 360 आ रहे हैं, दिल से थैंक यू, गॉड ब्लेस यू चिन्मय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अबे कह रहे संजना आर यू हेयर, संजना वहां होगी भी तो क्या हुआ बेटा, संजना वर्चुअली वहां पर है, कुछ ऐसा करो जीवन में कि रियल में संजना आए आपके पास में। ठीक है, क्लियर हो गया एमनियोसेंटेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। चल इसके अलावा सहेली, इसकी बात हम थोड़ी देर में और करेंगे, इसमें स्टेरॉइड नहीं होते, एक नई गर्भ निरोधक गोली है, मैं अभी लिखवाऊंगी इसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये पिल यूज होती है। नाउ दिस इज समथिंग जो हम हिंदुस्तानी प्राउड हो सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज यानी हॉस्पिटल डिलीवरीज, घर में दाई से डिलीवरी ना करवाएं, डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल केयर, ताकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, एक्चुअली एक साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि डिलीवरी तो हो गई लेकिन उसके बाद एक साल के अंदर अंदर उसे केयर नहीं मिली, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई, बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया और डेथ हो गई, या डिलीवरी के बाद कुछ गड़बड़ थी जिस कारण माँ की डेथ हो गई, पता पड़ा वो प्लेसेंटा पूरा नहीं निकला था, ब्लीडिंग होकर माँ की डेथ हो गई, ये सब कम हो सकता है अगर हॉस्पिटल डिलीवरीज हो जाए। इसी तरह से स्मॉल फैमिलीज के कपल्स का नंबर बढ़ाना चाहते हैं, मैं बताऊंगी इसके लिए सरकार ने कई सारे पुरस्कार रखे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में इंसेंटिव्स होते हैं जो दो बच्चों वाली फैमिली को दिए जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में डिटेक्शन करना, क्योर करना, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जितनी भी, उन सबको इंक्रीज करना, ये सब कुछ इस RCH के अंडर आता है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया एवरीबडी, फरहान, ट्राइमोजे, डॉक्टर गुप्ता, ठीक है, नहीं मैं नहीं गई हूं लखनऊ CDRI में, मैं नहीं गई हूं, दिशी, मानसी, आयशा, आगे बढ़े। चल अब आ जाओ हम बात करते हैं पॉपुलेशन कैसे तेजी से बढ़ी है। अब यहां पर मैं एक टेबल बना देती हूं ताकि आपके लिए चीजें बिल्कुल इजी हो जाए याद रखना। मैं यहां पर दो को कंपेयर करूंगी, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन को और एक इंडियन पॉपुलेशन को। रुको एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, यहां ईयर लिखते हैं 1900 में, 100 साल बाद यानी 2000 में और 2011 में। ठीक है, यहां लिखती हूं मैं दुनिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहां पर हम बात कर लेंगे इंडिया की पॉपुलेशन यानी इंडियन पॉपुलेशन। अब 1900 में जब पूरी दुनिया में निकाला गया कि कितनी पॉपुलेशन है, तो 2 बिलियन थी बेटा, याद रखना 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं यानी 2000 मिलियन थी, जो 3 गुना बढ़ गई, 3 times यानी 2000 में 100 साल के अंदर अंदर 2 से 6 हो गई, और मात्र 11 साल में और तेजी से बढ़ रही है, देखो पॉपुलेशन 7.2 हो गई। इंडिया इस समय गुलाम था 1900 में, तो इंडिया में यहाँ पे अलग से काउंटिंग नहीं हुई थी, लेकिन जब हम आजाद हुए 1947 तब इंडिया में काउंटिंग की गई, और उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन पाई गई। ऑलमोस्ट 50 साल के अंदर अंदर ये पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंच गई, और अब ये 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, अब तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ हो गई है, 1.5 बिलियन के आसपास। यानी अगर आप देखें तो दुनिया में हर 6 लोगों में से एक हिंदुस्तानी है। देखो अगर दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन है तो उसमें से 1 बिलियन हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड दिस इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, हर 6 में से एक इंसान हिंदुस्तानी है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट का मतलब जितने मर रहे हैं उतने पैदा हुए, इससे तो पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी, ग्रोथ नहीं होगी, पर अगर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं पर एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, तो उसे ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो कितने एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने ये देखा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो है, ग्रोथ रेट जो है इंडिया की वो है लेस देन 2%,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर साल 1000 लोगों पर 20 नए लोग पैदा होते हैं। हर साल 1000 लोगों में से 400 मरे, 400 पैदा हो रहे हैं, वो तो है ही, 20 और पैदा हो रहे हैं। यानी 400 मर रहे हैं तो 420 पैदा हो रहे हैं, 500 मर रहे हैं तो 520 पैदा हो रहे हैं। 20 per 1000 पर ईयर। पहले ये 1.7 थी ये डेटा पुरानी एनसीईआरटी में, अब इसे लेस देन 2% कर दिया है। सवाल उठता है पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, गर्भ निरोधन तो इतना अच्छा हो गया है। स्टूडेंट्स कॉन्ट्रासेप्शन तो हुआ है अवेयरनेस, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज के कारण से लोगों की लाइफ भी बढ़ गई है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में लोग बढ़ गए हैं, माओं की मृत्यु दर कम हो गई है, मातृ मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई है। पहले बच्चे मर जाते थे तो वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचे ही नहीं, एक लेडी एक डिलीवरी के बाद मर गई, पिक्चरों में दिखाते थे तो उसके दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। तो अब कॉन्ट्रासेप्शन तो बढ़ रहा है, उसके कारण बर्थ रेट थोड़ी कम हुई है, पर डेथ रेट कम हो गई है, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट कम हो गई है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कम हो गई है, रिप्रोडक्टिव एज में लोग बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज की तरफ चल रही है, अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज की तरफ ही चल रही है। ये देखिए, ये रहा असर्शन रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों अभी भी लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। रीजन मार्क करो, डेथ रेट कम हो गई है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के कारण, मातृ मृत्यु दर MMR ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कम हो गई है, और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी कम हो गई है, और जो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है वो बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर अभी भी पॉपुलेशन राइज कर रही है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और असर्शन रीजन यहां से बनता है कि अगर इतनी तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, तो भाई समाज में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी कमी हो जाएगी, रोटी कपड़ा मकान, और इसके कारण से क्राइम वगैरह बढ़ जाएंगे। क्लियर है असर्शन रीजन, समझ में आ रहा है कैसे होता है? चलिए तो अब आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये सब कुछ कम कैसे किया जाए। स्टूडेंट सरकार ने कहा कि हम ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए एक तो मैरिज की एज बढ़ा देंगे, तो अब तो खैर और चेंजेस हो गए, पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो लड़कों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल, 21 और 18। फिर उन्होंने कहा हम कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधन के बारे में खूब अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि लोग जब चाहें तभी बच्चा हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण ना हो। और तीसरा, जो छोटी फैमिलीज हैं उसे मोटिवेट करेंगे, जो दो ही बच्चे वाले हैं तो उन्हें मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट कैसे करेंगे भाई? कोई अवार्ड देकर करेंगे। कैसे अवार्ड देकर? जैसे गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी के दो ही बच्चे हैं और उसके बाद उसने ट्यूबेक्टमी या वासेक्टमी नसबंदी करा ली है और सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें प्रमोशंस में, इंसेंटिव्स में बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, ऐसे कई बार लोग झूठा सर्टिफिकेट बनवाने भी आते हैं डॉक्टर्स के पास। ऑफकोर्स मैं तो नहीं बनाती तभी आपसे बात कर रही हूँ, पर ऐसा बहुत होता है। अब तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं तो ये चीजें होती नहीं है, पहले बहुत होती थी, चार पांच बच्चे झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया दो बच्चों का। चलिए, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू ओवरकम दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम? पहला, मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज बाय यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। प्लीज नोट करिए, हम दो हमारे दो और अब तो बच्चा एक ही अच्छा, यहां तक बोलते हैं वन चाइल्ड नॉर्म। दूसरा, शादी की उम्र बढ़ा दी गई, मेल्स की 21 एंड फीमेल्स की 18। और तीसरा, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं, दो बच्चों वाली फैमिलीज, इस तरीके से। मार्क कर रहे हैं सब लोग? अब तो डिंक भी हो गया है, डिंक कपल, यानी डबल इनकम नो किड्स, दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं और बच्चे नहीं हैं। अब आइए हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। चल मजे आएंगे, मजे आ रहे हैं? हेडिंग लिखिए कॉन्ट्रासेप्शन। क्या समझते हो कॉन्ट्रासेप्शन से? कॉन्ट्रा का मतलब होता है एंटी और ये है कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रा का मतलब एंटी, यानी वो सारे तरीके जिनसे प्रेगनेंसी होने से रोकी जाएगी। Which devices या तरीके, methods to prevent pregnancy, गर्भ को रोकना,
प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि जब तक बच्चा नहीं चाहिए तब तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना बंद करेंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसे कहते हैं टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन, जब तक चाहे तब तक यूज करें। लेकिन मान लो किसी के दो बच्चे हो गए, अब उन्हें बार बार कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करना, वो तो चाहते हैं कि हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, अब हमें परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, इसमें नसबंदी आती है, हम पढ़ेंगे, जिसे ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में और वासेक्टमी मेल्स में कहते हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टेम्पररी भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक मैं कोई गोली इंजेक्शन कुछ भी ना लूं, प्राकृतिक तरीके से नेचुरल तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए, और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से, कोई टैबलेट जो साइंटिस्ट ने बनाई है, कोई बॉडी के अंदर कुछ डिवाइस फिट करके इंजेक्शन लेके ऐसा कुछ। इसके अंदर हमें पांच तरीके पढ़ने हैं, एक जिसमें कॉन्डोम्स वगैरह आते हैं बैरियर मेथड, एक जिसमें गोलियां पिल्स आती हैं, गोलियां टैबलेट्स, टैबलेट्स के बाद इंजेक्शन, फिर बॉडी के अंदर एक डिवाइस लगा देते हैं इम्प्लांट्स, या यूट्रस के अंदर लगा देते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ये अभी आपको नहीं भी लिखना तो चलेगा, हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे मस्त तरीके से। नेचुरल के तीन तरीके हैं, नेचुरल के तीन तरीके हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स, मैं अभी बताती हूं। मुझे सोच के बताओ साइड इफेक्ट किस में कम होगा। भाई आप कहोगे मैम नेचुरल तरीके में तो काय का साइड इफेक्ट, हाँ गोली दवा इंजेक्शन में तो हो सकता है, तो नेचुरल में साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि नेचुरल तरीका है, लेकिन इसमें फेलियर का चांस बहुत हाई होता है। यहां तो टैबलेट वगैरह तो फुल प्रूफ है साइंटिफिक, लेकिन यहां पे फेलियर रेट हाई होती है, चांसेस ऑफ फेलियर हाई होते हैं, फेलियर रेट कुड बी हाई। तो प्लीज ध्यान रखो साइड इफेक्ट्स तो नहीं है लेकिन फेलियर रेट काफी हाई है, इसीलिए अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है और प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई आर्टिफिशियल टेम्पररी मेथड यूज करना चाहिए। आइए पहले समझते हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन जहां पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्राकृतिक तरीका है, लेकिन फेलियर रेट के हाई चांसेस होंगे, क्यों होंगे वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। चल तरीका नंबर एक, मान लो एक लेडी है जिसके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपको पता है 28 डेज की अगर साइकिल है तो 14वें दिन 14th डे मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, हम प्लस माइनस 3-4 दिन माने तो 10th से 17th डे के बीच में, क्योंकि जरूरी नहीं है ना 28 डेज की हो, 30 की हो सकती है, 32 की हो सकती है, 26 डेज की साइकिल हो सकती है, 10th से 17th डे के बीच में ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। इसी समय अगर इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म आया, तो ही प्रेगनेंसी का चांस है, मैंने आपको समझाया था। तो अगर इस समय पर कोइटस इंटरकोर्स अवॉइड कर दिया जाए, यानी जिस समय ओवम रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, वो टाइम ही स्किप कर दें इंटरकोर्स का, कोइटस का, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इसे बोलते हैं पीरियोडिक, यानी समय समय पर एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस। इसे कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, रिदम मेथड भी बोलते हैं। बेटा कैलेंडर क्योंकि हर महीने कैलेंडर देखकर और उन डेज को अवॉइड किया जा रहा है जब ओव्यूलेशन होता है। सो अवॉइड कोइटस 10th से 17th डे, 10th से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और क्यों, क्योंकि यहां पर ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, व्हेन ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। अब बड़ा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जब ओव्यूलेशन होगा तभी प्रेगनेंसी का चांस होगा, यानी इस समय को ही फर्टाइल पीरियड या अनसेफ पीरियड कहते हैं, इसे अवॉइड किया जाए। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो गया है कि 10th से 17th डे को क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस समय ओव्यूलेशन होता है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके लिए साइकिल रेगुलर होना जरूरी है। किसी लेडी के दो दो महीने में पीरियड आते हैं, हर 20 दिन में पीरियड आता है, तो आप कैसे पता करोगे कब ओव्यूलेशन है, थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो ये फेल हो जाएगा, बहुत अच्छा तरीका नहीं है। चलिए
तरीका नंबर दो, कोई पर्टिकुलर डे अवॉइड नहीं किया जाए, कभी भी कोइटस करें, लेकिन जस्ट जब पेनिस से सीमन निकलने वाला है, उसे बोलते हैं इजैक्यूलेशन होने वाला है, उसके ठीक पहले पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर ले, ताकि सीमन वजाइना में जाए ही नहीं, इनसेमिनेशन ना हो, यानी जो कोइटस है उसे बीच में रोकें, इंटरप्ट करें, इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, इसे विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, विथड्रॉवल मेथड, क्योंकि पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ किया जा रहा है, तो यहां पे पेनिस इज रिमूव्ड या विड्रॉन फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। इसे अगर वो जस्ट आफ्टर इजैक्यूलेशन कर देंगे बेटा तो रॉन्ग हो जाएगा, नेचुरली इजैक्यूलेशन के पहले, तभी तो हम चाहते हैं कि सीमन डिपॉजिट ना हो, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम सीमन को डिपॉजिट नहीं होने दे रहे और उसे बोलते हैं इनसेमिनेशन नहीं होने दे रहे, वी आर अवॉइडिंग इनसेमिनेशन, दिस इज तरीका नंबर दो। अब आइए हम तीसरा तरीका पढ़ते हैं। हमारे देश में बहुत सारी लेडीज हैं जिन्हें मालूम है कि जब मां बच्चे को दूध पिला रही है उस समय प्रेगनेंसी नहीं होती, और आप मानकर चलिए कि हर महीने 2-3 केस मेरे पास आते ही आते हैं जब मां बच्चे को दूध पिला रही है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये क्या चक्कर है, क्या ये झूठ है, क्या ये सच है? ये सच है, पर सबको पूरा सच नहीं पता। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आइए इस मेथड को कहते हैं दूध पिलाना यानी लैक्टेशन, और उस समय पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एमेनोरिया। अब बड़ा ध्यान से सुनना, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब लेडी लैक्टेशन कर रही है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा पर इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया है, उस समय पर उसके ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन हाई होता है। आपको पता है प्रोलैक्टिन बनता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। जब प्रोलैक्टिन हाई होता है तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन यानी FSH-LH को सप्रेस करता है, गोनाडोट्रोपिन्स को सप्रेस करता है। और जब FSH सप्रेस होगा तो फॉलिकल नहीं बनेंगे, LH सप्रेस हुआ तो अगर बन भी गया तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो नेचुरली प्रेगनेंसी का चांस ही नहीं है, यानी इसमें एन ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा और इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी, ओव्यूलेशन एंड हेंस मेंस्ट्रुएशन डू नॉट अकर। भाई जब फॉलिकल डेवलप ही नहीं हुआ तो ईस्ट्रोजन ही नहीं निकला, तो यूट्रस की लाइनिंग मोटी ही नहीं हुई, तो जड़ेगी क्या, कुछ भी नहीं। इसीलिए डिलीवरी के बाद पीरियड एकदम से नहीं आते हैं, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन ने गोनाडोट्रोपिन्स को सप्रेस करके रखा होता है, इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने तो आपसे कहा कि हर महीने 2-3 लेडीज इस समय प्रेग्नेंट होकर आती हैं, वो क्यों? एक्चुअली प्रोलैक्टिन इतना हाई होना चाहिए कि गोनाडोट्रोपिन बिल्कुल सप्रेस रहे, और ये तब होगा जब लगातार मां उस बच्चे को दूध पिलाए, इंटेंस या एक्सक्लूसिव लैक्टेशन। भाई जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा, उतना ज्यादा गोनाडोट्रोपिन सप्रेस रहेंगे। होता क्या है, पता पड़ा 2-2.5 महीने बाद में माँ ने कुछ और थोड़ा ऊपर का भी खिलाना, दाल का पानी वगैरह शुरू करा, दूध अपना कम कर दिया या ऊपर का बाहर का दूध देना शुरू किया, तो मदर के अंदर प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, तो ये सप्रेशन भी कम हो जाएगा, यानी गोनाडोट्रोपिन बनने लग जाएंगे, FSH-LH बनने लग जाएंगे, तब ओव्यूलेशन भी होगा और तब प्रेगनेंसी का चांस भी होगा। तो एक्सक्लूसिव इंटेंस लैक्टेशन होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि पीरियड ना आए, ओव्यूलेशन ना हो, तभी ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करेगा। और उसमें भी ये केवल डिलीवरी के 6 महीने तक ही एप्लीकेबल है, अप टू 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। 6 महीने के बाद खुद ही बॉडी प्रोलैक्टिन कम बनाने लग जाती है, तभी तो कहते हैं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी, फिर बच्चे को ऊपर का देना भी जरूरी है क्योंकि वो ग्रो हो रहा है, तो बॉडी में नेचुरली भी 6 महीने बाद प्रोलैक्टिन कम हो जाता है, सप्रेशन कम हो जाता है।
तो ये सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उस लेडी के बिल्कुल पीरियड ना आ रहे हो, वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है डिलीवरी के, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि हाँ आपको प्रेगनेंसी का चांस नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन है नेचुरली। पर होता क्या है बेटा, जनरली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, प्रोलैक्टिन कम बनता है, FSH LH बनते हैं, फॉलिकल डेवलप होते हैं, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन भी होता है। लेडी को लगता है, घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें बोलती है, अरे तो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग है, टेंशन मत लो। पर एक्चुअली वो जो ब्लीडिंग थी वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली थी, तो वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते नहीं है, कॉन्डोम वगैरह, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा तरीका है जिसमें हार्मोन यूज होता है, उसमें ये भी ऑप्शन था। यहां पे भी हार्मोन इन्वॉल्व है, ये बात ध्यान रखना, जबकि ये कहीं NCERT में नहीं दिया, बट इस फंडे पर क्वेश्चन आया है। तो ये हो गए हमारे सारे नेचुरल तरीके, डन। आ जाओ अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल में अब हमें समझना है कि एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। NCERT में दिया है, मैं इसे हमेशा एक ट्रिक से पढ़ाती हूं, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, सारे वॉवल्स लिख लो, AEIOU, 5 स्वर AEIOU और गाड़ी की RC, मतलब भाई कॉन्ट्रासेप्शन ऐसा होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो, नेचुरली। पता पड़ा बहुत बढ़िया गर्भ निरोधन है लेकिन मिलता ही नहीं है मार्केट में, तो क्या मतलब भैया ऐसी चीज का। दूसरा, इफेक्टिव हो, यह भी बहुत जरूरी है। पता पड़ा मिलता तो बड़ा आराम से है पर उससे तो प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, प्रेगनेंसी हो जाती है। नंबर नेक्स्ट, रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल मतलब जब हम उसे लेना बंद करें, जब कपल प्रेगनेंसी चाहता है उसे लेना बंद करे, उसे स्टॉप करे और प्रेगनेंसी हो जाए। अच्छा, सस्ता भी होना चाहिए। पता पड़ा अवेलेबल है, रिवर्सिबल है, अफेक्टिव है, पर बहुत महंगा है, 10 लाख का 12 लाख का, अरे कैसे लेंगे, इतना तो नहीं होगा, पर बहुत सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा आसानी से यूज करने वाला, ऐसा नहीं कोई बड़ी भारी सर्जरी करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो चीप होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसे कहते हैं जीरो या मिनिमम, छोटे मोटे साइड इफेक्ट, सो मिनिमल साइड इफेक्ट, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं। ये नहीं बोलिए कि धड़ाधड़ उल्टियां हो रही है, खतरनाक वाला बुखार आ रहा है, ऐसा नहीं, जीरो साइड इफेक्ट, जितने कम साइड इफेक्ट होंगे उतना अच्छा है। एंड इसका आई का क्या मतलब है, सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी का जो प्लेजर है उसके साथ, अदरवाइज भी लोग उसे यूज नहीं करेंगे। सो नो इंटरफेरेंस विथ सेक्सुअल एक्टिविटी, इजीली मिले, बढ़िया काम करे, सस्ता भी हो, रिवर्सिबल भी हो, सेक्सुअल प्लेजर के साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो और साइड इफेक्ट्स भी ना हो और आसानी से यूज करें, तो उसे कहेंगे एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव। मजे आ रहे हैं, आगे बढ़ जाऊं मैं, एवरीबडी एक एक वर्ड क्लियर है, ये रहा पूरा एक एक शब्द जो मैंने आपको बता दिया। चल नेचुरल मेथड्स देखिए, ये रहे असर्शन रीजन के क्वेश्चन, ये रहा पहला असर्शन रीजन, 10 से 17वें दिन तक ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, इसीलिए इस समय पर अगर कोइटस अवॉइड करेंगे तो प्रेगनेंसी का चांस रुक जाएगा, नहीं होगा। इसी तरह ये देखो, लैक्टेशन एमेनोरिया क्यों होता है, क्यों उस समय कॉन्ट्रासेप्शन का काम होता है, क्योंकि उस समय ओव्यूलेशन नहीं होता, साइकिल नहीं होती, क्योंकि इंटेंस लैक्टेशन है। ये रहा एक और असर्शन रीजन। नेक्स्ट, यहां पर कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए साइड इफेक्ट बहुत कम है, निल है, नेचुरल के अंदर। हाँ, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। डन एवरीबडी, कम ऑन, जल्दी से नोट करो, NCERT में असर्शन रीजन मार्क करिए, मैं सारे असर्शन रीजन करा दूंगी 12th जूलॉजी के आपको, क्विकली।
जल्दी से लिख लो इतना. स्टैचुरी बैंक का मतलब समझ आया, एमनियोसेंटेसिस का मतलब समझ में आ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे वो समझ में आ गए जो पकड़े जाएंगे इससे, नेचुरल मेथड सारे हो गए. अब हम आएंगे आर्टिफिशियल मेथड्स पे. चलो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल में बैरियर मेथड की. बैरियर का क्या मतलब होता है? जैसे सड़क पे कहीं काम चल रहा है तो एक बैरियर लगा देते हैं ताकि हम उस जगह को क्रॉस ना करें. ऐसे यहां पर हम हीरो हीरोइन स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकेंगे, उसके बीच में रोकथाम लगा देंगे. सो बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे? बेसिकली स्पर्म एंड ओवा आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग ईच अदर. फिजिकली मीटिंग ईच अदर, इन दोनों को मिलने नहीं देंगे. कैसे नहीं मिलने देंगे? अभी सब समझ में आएगा. मिलने नहीं देंगे. बैरियर मेथड दो तरह के होते हैं, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर. बहुत इजी है, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर. फिजिकल का मतलब यहां पर हमें कोई डिवाइस यूज करेंगे और केमिकल मतलब कोई केमिकल यूज करेंगे. फिजिकल के अंदर मेल्स में कॉन्डोम्स आते हैं, मेल कॉन्डोम्स. अब आप सबको पता है कि कॉन्डोम्स जो होते हैं ये पतला सा रबर या लैटेक्स की शीट का होता है और मेल्स के अंदर इसे पेनिस के ऊपर कवर करा जाता है जस्ट कॉइटस के पहले, ताकि जब पेनिस में से इजैक्यूलेशन हो तो वो कॉन्डोम के अंदर आ जाए, सीमन और वेजाइना में डिपॉजिट ना हो. तो जब वेजाइना में सीमन डिपॉजिट ही नहीं होगा तो स्पर्म ओवा तक जाएगा नहीं, हमने उसे मिलने से रोक लिया. सो ये थिन रबर या लैटेक्स के बने हुए हैं एंड कवर्स पेनिस जस्ट बिफोर कॉइटस. और इसके थ्रू भी हम अवॉइड करवाएंगे इनसेमिनेशन. हम सीमन को डिपॉजिट ही नहीं होने दे रहे हैं इनटू वजाइना, वो तो कॉन्डोम के अंदर आ गया है जस्ट बिफोर कवर्स पेनिस. नेचुरली इसका शेप भी पेनिस की तरह होगा क्योंकि पेनिस के ऊपर ही इसे पहनना है. कॉन्डोम्स डिस्पोजेबल होगा, डिस्पोजेबल, एक बार के बाद फेंक दिया जाएगा, डिस्पोजेबल. और कॉन्डोम्स रक्षा करवाते हैं एसटीडी. एक्चुअली सीमन के अंदर या फीमेल वजाइनल ट्रैक के अंदर अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है, वायरस है, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल सकता है, तो बीच में क्योंकि कॉन्डोम है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, यानी प्रिवेंट अगेंस्ट एसटीडीज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से रक्षा, जैसे एड्स, एचआईवी वायरस जो है, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, गोनोरिया, इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाते हैं. अब फीमेल की तरफ भी कॉन्डोम्स होते हैं. जी हां, फीमेल में भी कॉन्डोम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स. फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में भी बिल्कुल सेम यही सारी बातें हैं, सेम बातें, यानी वो भी डिस्पोजेबल है, रक्षा करेंगे अगेंस्ट एसटीआई. उससे हम क्या करेंगे? कवर वेजाइना और सर्विक्स. अगेन बात वही है कि सीमन जो है वो फिर उसको फेंक देंगे, डिस्पोजेबल है तो सारा सीमन हट जाएगा, वेजाइना की कैविटी में डिपॉजिट नहीं होगा. सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, डिस्पोजेबल है, दोनों रक्षा करेंगे अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, बट इसका जो शेप होगा कॉन्डोम का वो वजाइना की तरह होगा ऐसा. लेकिन फीमेल्स के अंदर कुछ और भी फिजिकल बैरियर मेथड्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायफ्राम्स. अब बड़ा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बता रही हूं आपको. ये जो डिवाइसेस हैं ये सब रबर के बने हैं. कॉन्डोम रबर या लैटेक्स का है, ये सारे रबर के हैं.
कॉन्डोम कोई भी हो, मेल या फीमेल, एक ही बार एक कॉन्डोम यूज होगा, डिस्पोजेबल है, पर इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं, ये रीयूजेबल है। कॉन्डोम मेल फीमेल रक्षा करेंगे एसटीआई से, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, सर्विक्स को कवर कर देते हैं, तो स्पर्म जो है वो सर्विक्स को पास नहीं कर पाएगा और यूट्रस में नहीं जा पाएगा। यानी इन सब के काम करने का तरीका ये है कि दे कवर सर्विक्स, यानी दे प्रिवेंट स्पर्म्स एंटरिंग थ्रू सर्विक्स, हम ऐसा कह सकते हैं, या दे ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स, थ्रू सर्विक्स। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, एक एक शब्द, एक एक डिफरेंस क्लियर है। ये तीनों रीयूजेबल है, एसटीआई से कोई रक्षा नहीं करेंगे, रबर के बने, कॉन्डोम रबर या लैटेक्स का बना है, डिस्पोजेबल है, एसटीआई से रक्षा करेगा। मेल कॉन्डोम पेनिस के शेप का होगा, फीमेल कॉन्डोम वजाइना के शेप का होगा, सब में एक कोई स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, इसीलिए फिजिकल बैरियर मेथड है, सभी में हम स्पर्म को ओवा से मिलने से रोक रहे हैं। जल्दी से नोट करिए एक एक वर्ड, अब केमिकल मेथड के अंदर कुछ क्रीम्स आती हैं, या जेलीज आती हैं, या फोम की टैबलेट्स आती हैं, ये ऐसा केमिकल है जो स्पर्म को मार सकता है, यानी स्पर्मीसाइडल, खुद को मारोगे सुसाइडल, फीमेल फीटस को मारोगे फीटीसाइडल, ये है स्पर्मीसाइडल। क्या करते हैं, जब कॉन्डोम यूज करते हैं या डायफ्राम या कैप या वॉल, तो उसमें ना ये क्रीम या जेली लगा देते हैं, तो कॉन्डोम के कारण तो रक्षा होगी ही, इंसेमिनेशन नहीं होगा, प्लस अगर कोई स्पर्म इक्का दुक्का आया भी, वैसे तो नहीं आएगा, तो ये क्रीम उसे मार देगी, ये जेली उसे मार देगी। यानी इन्हें अकेला यूज नहीं करते हैं, दे आर यूज्ड विथ फिजिकल बैरियर, विथ फिजिकल बैरियर। अब समझो, अगर एक इंसान ने केवल फिजिकल बैरियर यूज करा और दूसरे ने फिजिकल बैरियर विथ केमिकल, ये स्पर्मिसाइडल, तो ये ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन है। सो दे आर यूज्ड विथ फिजिकल बैरियर टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है क्लास में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में पढ़ा रही हूं आपको और बेसिक्स पढ़ा रही हूं। तो आर्टिफिशियल के अंदर पहला है बैरियर, और बैरियर में फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। फिजिकल में कॉन्डोम्स मेल्स में, कॉन्डोम फीमेल में, प्लस सर्वाइकल कैप डायफ्राम वॉल्ट ओनली फीमेल्स में। साथ में यूज करेंगे केमिकल स्पर्मिसाइडल जेलीज, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? देख लीजिए फटाफट से, हम साथ साथ में सारे क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं, असर्शन रीजन भी करते जा रहे हैं। नाउ बेनिफिट ये है कि ये सब कुछ हम खुद इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेड, क्योंकि अभी मैं जब यूट्रस के अंदर वाले डिवाइस पढ़ाऊंगी उसके लिए आपको डॉक्टर या नर्स की हेल्प चाहिए होती है। सो सेल्फ इंसर्टेड है, यानी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। हमारी इंडियन गवर्नमेंट मेल कॉन्डोम निरोध के नाम से फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिस्पेंस करते हैं, निरोध मेल कॉन्डोम है, ध्यान रखो। चलिए आगे देखें इतना पर। सो यहां देखिए, ये रहे आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट करेंगे फिजिकली मिलने से, कॉन्डोम इज वन ऑफ द बैरियर मेथड, ऐसे करके। और क्यों? क्योंकि उसमें भी हम इन्हें मिलने से रोक रहे हैं। इसके अलावा कॉन्डोम कॉन्ट्रासेप्शन है, क्यों है? क्योंकि यहां पर जो सीमन है वो फीमेल वजाइनल ट्रैक में एंटर नहीं हो पाएगा, इनसेमिनेशन रोक रहे हैं। या आजकल कॉन्डोम ज्यादा यूज हो रहे हैं रीसेंट ईयर्स में, क्यों? क्योंकि एडिशनल बेनिफिट है प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस लाइक एड्स। ये सब असर्शन रीजन है, प्लीज मार्क करिए। इसके अलावा ये सेल्फ इंसर्टेड है, इसीलिए प्राइवेसी देगा टू द यूजर, खुद यूज कर सकते हैं। डायफ्राम वगैरह जो है दे कवर द सर्विक्स, और इसीलिए ब्लॉक कर देंगी, असर्शन हो गया, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। व्हाई? बिकॉज दे कवर द पेनिस।
स्पर्मिसाइडल जेलीज इंक्रीज इफेक्टिवनेस, क्यों? क्योंकि ये स्पर्मिसाइडल है. ये सारे असर्शन रीजन हैं. जहां पर भी कोई लॉजिक है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाता है. मजे आ रहे हैं सबको? चलिए डायग्राम देखिएगा कितना इजी है. ये पेनिस के शेप का है, दिस इज द मेल कॉन्डोम. ये वेजाइना के शेप का है, दिस इज द फीमेल कॉन्डोम. क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से लिख लीजिए. हो गया? परिधि, फिजिक्स, हार्दिक, मुक्तेश्वर, डॉक्टर सान्या, एवरीबॉडी. चलिए अब आइए हम देखते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, यूट्रस के अंदर डालेंगे. यूट्रस के अंदर फुल फॉर्म सबके आ सकते हैं. जैसे सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये सब पूछ सकते हैं. एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसे यूट्रस के अंदर डालना है, इंसर्टेड इनटू यूट्रस. सोचो कहां से जाओगे भाई, यूट्रस में डालना है तो वेजाइना के थ्रू ही तो डालेंगे. सो इंसर्टेड इनटू यूट्रस थ्रू वेजाइना. अब ये पेशेंट, वो लेडी खुद नहीं कर सकती है, यहां पे डॉक्टर या नर्स की जरूरत है. एक्चुअली तो डॉक्टर की जरूरत है, नर्स नहीं. ठीक है, सो बाय डॉक्टर्स और नर्सेस. यानी ये खुद सेल्फ नहीं कर सकते, बैरियर मेथड की तरह. स्टूडेंट, ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जब डिलीवरी होती है तो हम लोग कई बार, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं गांव के लोग, उनके खुद ही कॉपर्टी डाल के डॉक्टर्स भेज देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी 2 महीने में फिर से प्रेग्नेंट होकर आएगी, लैक्टेशनल एमिनोरिया भी कंप्लीटली नहीं होगा क्योंकि, तो खुद ही कॉपर्टी डाल देते हैं, कंसेंट ऑफकोर्स ले लेते हैं. सो वन ऑफ द, एक एक शब्द एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूं आपको, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया. अब एक बात आपको ना प्रैक्टिकल बताती हूं. प्रैक्टिकल, एक्चुअली अगर एक भी बच्चा नहीं है ना तो हम ये नहीं देते. हम फिर या तो पिल्स, टैबलेट्स एडवाइस करते हैं या बैरियर मेथड एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें आप यूट्रस में डाल रहे हो. इन केस कोई इंफेक्शन हो गया, सूट नहीं करा, तो हो सकता है आगे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए. लेकिन हाँ, अगर एक बच्चा है और फिर आप 2-3 साल तक अगला बच्चा नहीं चाहते हो, तो ये बेस्ट तरीका है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट तरीका टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन. जी हाँ, एक बच्चा अगर है तो सबसे बढ़िया हम लोग बोलते हैं आप कॉपर टी, मल्टीलोड, जो भी है लगा लो. उसके बाद 2-3 साल जब बच्चा चाहिए तब उसको निकलवा देना, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. अब इसकी 3 generations आ गई हैं, मतलब पहले साइंटिस्ट ने एक तरीके के बनाए, फिर और दूसरे तरीके के बनाए, फिर और तीसरे तरीके के बनाए. आइए समझते हैं इसकी 3 generations. एंड नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन आता है. पहली है फर्स्ट जनरेशन, इसमें कोई दवाई यूज नहीं करी है, इसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. दूसरे में कॉपर यूज करेंगे, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. और तीसरे में हॉर्मोन्स यूज करेंगे, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. ये लेटेस्ट वाले हैं, सबसे महंगे हैं, पर बहुत शानदार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है. नॉन मेडिकेटेड वाले में लिपीज लूप आता है, लिपीज लूप. इसमें आता है कॉपर टी,
कॉपर 7 भी आता है, और ध्यान रखना बेटा इसमें मल्टी लोड 375। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मल्टी लोड 375 लगाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉपर टी दी जाती है। थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब 350 के करीब आता है मल्टी लोड। ध्यान रखना मल्टी लोड कॉपर है, हॉर्मोन नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये तो याद है कॉपर कॉपर आ रहा है, ये ध्यान रखना। और हॉर्मोन रिलीजिंग में एक आता है लीवो नॉर जेस्ट्रिल 20, यानी एल एन जी ट्वेंटी। और एक आता है इसमें प्रोजेस्टा सर्ट। इनमें बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। देखो प्रोजेस्टा तो नाम ही समझ में आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन, और लीवोनोर जेस्ट्रिल ये भी वही जेस्ट्रॉन। इनपे कई बार पीवाईक्यूज आए, भर भर के पीवाईक्यूज आए, भर भर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग या इज नॉट हार्मोन रिलीजिंग करके। अब लिपिज लूप में बेसिकली क्या होता है, इसमें यूट्रस के अंदर स्पर्म्स तो आ रहे हैं पर उन्हें खा लिया जाता है। इससे जो केमिकल निकलेगा उससे, यानी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कई बार ये बात जनरल आईयूडी के लिए भी लिख दी जाती है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी में जनरल वे में लिखी है। यहां क्या होता है, कॉपर आयन्स निकलते रहते हैं, और वो कॉपर आयन्स धीरे धीरे स्पर्म की मोटिलिटी कम करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करते हैं। सो रिड्यूस या सप्रेस मोटिलिटी, एंड जो एग को पियर्स करने की क्षमता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ये कॉपर आयन्स रिलीज करते रहते हैं और वो ये काम करवाते रहते हैं, सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। अब हार्मोन वाले क्या करते हैं, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। आपको याद है प्रोजेस्टेरॉन को हमने प्रेगनेंसी हार्मोन सीखा था लास्ट क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये सर्विक्स पर एक थिक म्यूकस बना देता है, तो स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, इतना सारा प्रोजेस्टेरॉन देते हैं कि एंडोमेट्रियम इतनी मोटी हो जाती है कि उसमें घुस ही नहीं सकता। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई, एम्ब्रियो बन भी गया, ब्लास्टोसिस्ट बन भी गया, यानी यूट्रस को अनसूटेबल कर देंगे फॉर इम्प्लांटेशन। ये फर्टिलाइजेशन तो होने देंगे, एक तो ये स्पर्म को नहीं घुसने देंगे, अगर घुस भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देंगे। सो मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स, थिक म्यूकस प्लग बन जाता है, और अगर घुस भी गए, हो भी गया, तो मेक्स फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया, मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। स्टूडेंट्स प्लीज एक बात ध्यान रखो, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, और काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन चीजों पर, बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जैसे अगर ये कॉपर टी तो फ्री में देती है गवर्नमेंट, मल्टीलोड 300-350 रुपए का आता है, और ये 8,000-9,000 के आते हैं मिरेना वगैरह। 3-5 साल के लिए, 3 इयर्स वाला भी आता है, 5 इयर्स वाला भी आता है, उसमें धीरे 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 अपने आप जो है उतना कॉपर या उतना हार्मोन रिलीज होता रहता है, फिर और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन इसमें क्या होता है, जैसे ऐसा आता है, ऐसा समझो, ऐसा कॉपर टी की अगर मैं बात करूं, ये सारा कॉपर लगा रहता है इसमें, तांबा कॉपर, ये ऐसे, और इसमें ना ऐसे धागे रहते हैं। तो ये मार्केट में जब मिलता है ना, इसके लूप्स ऐसे बंद रहते हैं। हम लेडी को जनरली 4th-5th डे बुलाते हैं, तब सर्विक्स हल्का सा ओपन रहता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड ब्लीडिंग हो रही होती है, जल्दी भी नहीं बुलाते वरना ब्लीडिंग बहुत होती है तो अनकंफर्टेबल होता है। तो 4th-5th डे बुलाते हैं, हल्का सा ऑस ओपन होता है, ओपीडी में बुलाते हैं, कोई बेहोश नहीं करना होता है, ये पूरा बंद है लूप्स, इसको ऐसे अंदर इंसर्ट करते हैं, यूट्रस में जाता है और छोड़ देते हैं तो ये खुल जाता है, तो ये यूट्रस में सेट हो जाता है। और ये दो धागे जो है ये वेजाइना के थ्रू बाहर लटकते हैं, फिर उसे कट कर देते हैं, हल्का सा छोड़ देते हैं,
ये हल्का सा इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो लेडी उसे फील कर सके और उसे पता रहे कि कॉपर्टी अपनी जगह पर है, मल्टीलोड कॉपर्टी जो भी है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. हम लोग जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बार उसे नेक्स्ट मंथ जरूर बुलाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस पहली जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी उसमें निकलने का होता है. उसमें नहीं निकला तो फिर सेट है. हाँ, इसमें जरूर कोई इन्फेक्शन वगैरह की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हम बाहर से डिवाइस नहीं लगा सकते. इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइस करें. जैसे मैं अभी टैबलेट्स में बताऊंगी, कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेन वालों को नहीं देते, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली में हिस्ट्री में नहीं देते. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड यूज करना है. इसी के लिए तो आप डॉक्टर्स बन रहे हैं. एक एक वर्ड क्लियर है, देख लो जरा अच्छे से, कहीं भी कुछ छूटा तो नहीं है आपका. आगे बढ़ जाए, इसके बाद पिल्स पर आएंगे हम. जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए. चलो डन. आइए तो एक बार देखें, यहां पे असर्शन रीजन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं. ये देख लीजिए, ये असर्शन रीजन हो जाएंगे. प्रॉपर्टी मल्टीलोड कॉन्ट्रासेप्टिव है या लिपीज लूप कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्यों है ये रीजन हो जाएगा. फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है या कॉपर आयंस ये सप्रेस कर देते हैं. जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रीजन है क्यों कॉन्ट्रासेप्शन है, या हार्मोन रिलीजिंग वाले के लिए भी रीजन है. यूट्रस अनसूटेबल हो जाएगा, सर्विक्स अनसूटेबल हो जाएगा, ये सारे. चलिए अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, पिल्स की बात करते हैं. तो हेडिंग लिखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. पिल्स मतलब होता है बेटा गोलियां, दवाइयां, वो भी गोली टैबलेट. टैबलेट के लिए पिल यूज करते हैं. यहां कॉन्डोम, कोई बैरियर यूज नहीं कर रहे हैं. यहां यूट्रस के अंदर कुछ नहीं डाल रहे हैं, यहां गोलियां टैबलेट्स खाएंगे. और ओरल का मतलब होता है मुंह से गोली खाना, बाय माउथ, और उस गोली से प्रेगनेंसी नहीं होगी. अब ओसीपीज दो तरह की होती है, ओसीपीज दो तरह की होती है. एक जिनमें हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन यूज करेंगे, और आपको पता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन ये सब स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी स्टेरॉइडल, जिनमें स्टेरॉइड्स हैं. और एक ऑफ कोर्स वो हो जाएगी जिसमें स्टेरॉइड नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल. दोनों ही टैबलेट्स हैं, दोनों ही गर्भ निरोधक गोलियां हैं, दोनों ही मुंह से खाएंगे, पर एक में स्टेरॉइड है, एक में स्टेरॉइड नहीं है. ये जो स्टेरॉइड नहीं है इसका नाम है सहेली. इसमें कोई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, फिर कैसे काम करेगी अभी बताऊंगी. और सहेली इंडिया का रिसर्च प्रोडक्ट है. जी हाँ, दिस वॉज डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ. हम पहले ही मार्क कर चुके हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. पूरी दुनिया में ये टैबलेट ली जाती है. अब स्टेरॉइड वाले में फिर दो तरह की गोलियां लेते हैं. एक जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, और एक जिसमें केवल ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है. अब क्यों होता है ऐसा, किसको क्या देंगे, समझो. इसी को बेटा मिनी पिल भी बोलते हैं, मिनी पिल, केवल प्रोजेस्टेरॉन है. अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूं. एक्चुअली ईस्ट्रोजन जो है इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर, माइग्रेन, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज ये होने का रिस्क होता है, सब में नहीं. तो अगर किसी लेडी को ऑलरेडी इस तरह की कोई बीमारी है, या फैमिली में मम्मी मौसी नानी किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उन्हें कभी ईस्ट्रोजन वाली पिल नहीं देते, उन्हें ओनली प्रोजेस्टेरॉन दी जाती है. इवन अगर कोई लेडी लैक्टेटिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उसे भी ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल दी जाती है. बट मैं डिटेल में अभी नहीं जा रही हूं. अब ये काम कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है. आपको पता है एक तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, वही सर्विक्स में थिक म्यूकस बना देगा, तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे, यानी ऑल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी उसे थिक बना देगा, वही जो प्रेगनेंसी में करता है, और इस कारण से रिटार्ड स्पर्म एंट्री, स्पर्म अंदर नहीं घुस पाएंगे. वही काम जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइस कर रहा था. दूसरा, वहां पर भी
हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन था, यहां भी प्रोजेस्टेरॉन है, यानी वही मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये दो बातें आईयूडी भी कर रहा है जहां पे प्रोजेस्टेरॉन है, और यहां भी प्रोजेस्टेरॉन है तो वो भी हो जाएगा। तो ये दो बातें तो कॉमन हो गई, लेकिन इनका मेन तरीका ये है कि बेटा बहुत सारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो या केवल प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो, और आपको पता है कि जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है या प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो एफएसएच एलएच सप्रेस होता है, तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, और हुआ भी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो इनके काम करने का मेन तरीका पूछें अगर एक मेन तरीका, तो वो है इनहिबिट ओव्यूलेशन। ध्यान रखना आईयूडी ये काम नहीं करते हैं, गोलियां ये काम करती है। पहला एक तरीका ये होगा, तीनों देके ऑल पूछेंगे तो ऑफकोर्स अलग बात है। तो लिपिज लूप फैगोसाइटोसिस बढ़ाएगा यूट्रस में स्पर्म्स का, कॉपर आयन स्पर्म की फर्टिलाइजिंग मोटिलिटी कम कर देंगे, हार्मोन रिलीजिंग वाले सर्विक्स को थिक म्यूकस बना के स्पर्म एंट्री नहीं होने देंगे, और यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बनाएंगे, और गोलियां भी ये दो काम करेंगी पर मेन काम ओव्यूलेशन को रोकेंगी, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन्स को सप्रेस करेंगे, एफएसएच एलएच को सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब इन्हें लिया कैसे जाता है, इसे क्या किया जाता है, इसका पैकेट आता है 21 गोली का, अलग अलग केमिकल डोज रहता है, यानी 20 जैसे ही पीरियड शुरू हुआ 5 दिन के अंदर अंदर हम ये पैकेट शुरू कर देते हैं। सो स्टार्ट विद इन 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज, 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होगी उसे day 1 मानेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर इसे शुरू कर देंगे। 1 तारीख को पीरियड आया तो 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख कभी भी इसे शुरू कर दिया। इसके बाद इसे हम लगातार 21 दिन तक खाएगी वो लेडी, टेकन कंटिन्यूअसली फॉर 21 डेज, 21 दिन के बाद में वो पैकेट खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब 4-5-6 दिन मैंने हफ्ते भर में पीरियड आएगा, ठीक है, सो गैप ऑफ 7 डेज, और इस दौरान उसकी ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन अकर्स, और जैसे ही ब्लीडिंग होगी फिर से 5 दिन के अंदर अंदर नया पैकेट शुरू कर देंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अब इसको समझो, एक्चुअली आजकल तो 28 डेज का पैकेट आता है, उसमें गैप वैप का भी चक्कर नहीं है, बस लेडी को बोलते हैं आप तो लगातार एक के बाद एक पैकेट खाते रहो, एक खत्म हो अगला शुरू कर दो, फिर खत्म हो अगला शुरू कर दो। एक्चुअली हो क्या रहा है, 21 डेज ले रहे हैं, उसी पे तो प्रोजेस्ट्रॉन पीक करता था, याद है आपको, फिर बॉडी में भी प्रोजेस्ट्रॉन कम होता था, तो यहां पर भी एकदम से आप गैप कर रहे हो, प्रोजेस्ट्रॉन लो कर रहे हो, तो एंडोमेट्रियम झड़ेगी, तो 4-5-6 दिन में हफ्ते भर में पीरियड आ जाएगा। 28 दिन की गोली जो देते हैं उसमें 21 दिन की तो ये रहती है ओसीपी, और 7 दिन आयरन की टैबलेट्स दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और एक आयरन भी मिल जाए, अच्छा ये ब्लीडिंग में तो आयरन ब्लड लॉस हो रहा है, आजकल ऐसा भी करते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये फर्स्ट 5 डेज भी नहीं बोलती, वरना वो पक्का भूलेगी, मैं तो बोलती हूँ जिस दिन पीरियड आएगा उसके अगले दिन से खाना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लेडीज को ये बड़ा लगता है यार रोज लेना है रोज लेना है, फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, आप नहाते रोज हो, खाते रोज हो, पीयर में फोन रोज करते हो, बुराई भलाई रोज करते हो, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हो, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेना, तो ये सब उनको बोला जाता है। ठीक है, तो टेकन कंटिन्यूअसली डेली, और इस तरह से जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक लिया जाता है। अब सहेली में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि सहेली हफ्ते में एक दिन लेनी पड़ती है, वंस अ वीक पिल है, जी हाँ हफ्ते में एक दिन लेनी पड़ती है, वंस अ वीक, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, नॉन हार्मोनल है या नॉन स्टेरॉइडल है, यानी बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं इनमें, तो हल्का फुल्का नौशिया जी मिचलाना शुरू शुरू में 2-4 दिन, थोड़ा बहुत 10-20 ग्राम वजन बढ़ना होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, सो लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं, और शानदार कॉन्ट्रासेप्शन है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रासेप्शन अच्छा नहीं देती, बढ़िया कॉन्ट्रासेप्शन देती है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है, बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, इंडिया का रिसर्च प्रोडक्ट है,
हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, यानी बेटा हफ्ते में एक दिन लेनी है, रोज लेने का टंटा नहीं, कोई स्टेरॉइड भी नहीं ले रहे हैं, हॉर्मोन भी नहीं ले रहे हैं, साइड इफेक्ट भी ना के बराबर है, गर्भ निरोधन भी बढ़िया हो जाएगा, क्या बात है, हमारा खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है। आखिर फिर क्या है इसके अंदर, समझिएगा, यहां बताती हूं। सहेली के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं सेंट क्रोमेन, इसे और मिलो, अरे और मिलो, एक बार ही क्यों मिले हो, और मिलो, और मिलोक्सी फेन, मेरा एक फैन है, मैं उसको बोल रही हूँ, अरे और मिलो यार, एक बार क्यों मिलो, आओ आप घर आओ, मिलो आराम से, और मिलोक्सी फेन, ये केमिकल होता है, ये स्टेरॉइड नहीं है, हॉर्मोन नहीं है। ये क्या होता है, जब आप ये गोली लेते हो, ये केमिकल ब्लड में जाता है, ये ब्लड से यूट्रस में जाता है और ये यूट्रस में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। अभी बताती हूँ, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्राइन वॉल, समझो। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब बॉडी में फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ईस्ट्रोजन बन रहा है, वो ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे जाता है, वहां पे रिसेप्टर पे जुड़ता होगा सेल पे, है ना, यही तो होता है, हार्मोन टारगेट सेल पे जाता है, ये स्टेरॉइड वाला है, सेल के अंदर घुसता होगा, रिसेप्टर के साथ जुड़ता होगा और फिर एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन करता है, सेल्स का नंबर बढ़ाता है और प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम पर फिर प्रोजेस्टेरॉन आता है और उसको सिक्रीटरी बनाता है ताकि आगे इम्प्लांटेशन हो सके। ये गोली पहले ही ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, यानी अब अगर फॉलिकल डेवलपमेंट हो भी रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो दे नहीं रहे हो, तो FSHLH तो नॉर्मल बन रहा है, फॉलिकल भी बन रहा है, उससे ईस्ट्रोजन भी निकल रहा है, पर ईस्ट्रोजन को जुड़ने की जगह ही नहीं है, एंडोमेट्रियम मोटी ही नहीं होगी, जब मोटी नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटरी भी किसको बनाएगा, यानी यहां पर एंडोमेट्रियम पतली रहती है एकदम, यानी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो बेटा बड़ा ध्यान से समझो, इसने ओव्यूलेशन को नहीं रोका, इसने इम्प्लांटेशन को रोका है, इसके काम करने का ये तरीका है, इसका मेन तरीका ये था और इसका मेन तरीका है इनहिबिट इम्प्लांटेशन, ये मेन तरीका है, ये ओव्यूलेशन पर इसका कोई कंट्रोल है ही नहीं, वो तो नॉर्मल चलेगा, ओव्यूलेशन तो नॉर्मल होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ये सहेली कैसे काम करती है और ये एनसीईआरटी में नामो निशान नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिखाऊंगी आप। हो गया एवरीबडी डन, चलिए, सो दिस इज अबाउट ओसीपी। ये देखो कॉपर टी का फोटो देख लो, ये देखो ये टी जैसी है, ये सारा कॉपर लगा हुआ है इस पर, ये वो इसके दो धागे हैं जो मैंने आपको बताया था, कॉपर टी। आइए एक बार देखें, कोई assertion reason मिस तो नहीं हो रहा है, ये हमने सारा कर लिया है। Now, ये देखो, जहां भी reason आ जाएगा, जैसे pills के बारे में, ये सब, ये सारे इसके reasons आ जाएंगे, तो ये assertion reason हो गया कि pills contraception है, क्यों है। ऐसे ही सहेली के बारे में, सहेली की बहुत बढ़िया न्यू oral contraceptive है, क्यों, once a week है, few side effects है, very few, high contraceptive value है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात समझिएगा, जैसे गोलियां होती है ना पिल्स, ऐसे ही इंजेक्शंस भी आते हैं, दो महीने तीन महीने में एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, गोली रोज खानी है डेली, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वाला बता रही हूं या ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड वाली, उसके इंजेक्शन भी आते हैं, उस इंजेक्शन में डोज थोड़ा ज्यादा होता है, तो दो महीने में एक बार इंजेक्शन ले लो या तीन महीने में एक बार इंजेक्शन ले लो। और यही नहीं, इसके इम्प्लांट्स भी आते हैं, इम्प्लांट्स मतलब ऐसे सिलिकॉन के ट्यूब्स होते हैं, ऐसे ट्यूब्स होते हैं सिलिकॉन के, इसमें भी वही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, इसे स्किन के अंदर लगा दिया जाता है, 5 साल तक की छुट्टी, 5 साल तक का हार्मोन अंदर रहता है, इन सब में वही हार्मोन ही है, यानी इन सब का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो सेम है, वही ओव्यूलेशन इनहिबिट करेंगे, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी ऑल्टर करेंगे, यूट्रस को हॉस्टाइल बनाएंगे,
हाँ, इनका इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर है, लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड। टैबलेट रोज लेनी पड़ेगी 21 डेज तक, फिर जैसे ही पीरियड आया फिर लेनी पड़ेगी 21 डेज तक। इंजेक्शन 2 महीने वाला भी आता है, 3 महीने वाला भी आता है, और इम्प्लांट 5 साल वाला आता है। आइए आपको यहाँ पे इम्प्लांट की फोटो भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा इम्प्लांट, ये 6 सिलिकॉन के ट्यूब्स है और इसे आर्म के अंदर लगा दिया जाता है। देखो दिखाती हूँ आप, 1 सेकेंड। ये देखो, अंडर द स्किन इंजेक्शन भी हो सकता है, अंडर द स्किन। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है पिल की तरह, बट लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड होता है। क्लियर एवरीवन? अंडर द स्किन लिख देते हैं एक बार, इम्प्लांट इज अंडर स्किन। ऑफकोर्स यहां पे डॉक्टर की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपनी हेल्थ का प्लीज ध्यान रखिए, अपना हाइड्रेशन बिल्कुल अच्छा रखो, गर्मी है डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से नोट करिए, हो गया परिधि टेट्रा। नाउ अब आइए हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। प्लीज हेडिंग लिखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहां पर हमने रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन कंप्लीट कर लिया, टेम्पररी वाला हमने उसमें नेचुरल में देखा, कैलेंडर या पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, और लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब नो मेंस्ट्रुएशन। फिर आर्टिफिशियल में हमने बैरियर देखे, फिजिकल केमिकल, आईयूडीज देखे, फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड, सेकंड जनरेशन कॉपर रिलीजिंग, थर्ड जनरेशन हार्मोन रिलीजिंग। और फिर हमने पिल्स देखे, स्टेरॉइडल वाली भी और नॉन स्टेरॉइडल वाली भी, जो सहेली है। और फिर हमने इंजेक्शन और इम्प्लांट्स की बात। अब परमानेंट मेथड के पहले कुछ पढ़ा रही हूं। अच्छा, माला डी और माला एम लिख सकते हो आप, ये सरकार जो देती है वो ये वाली पिल है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन वाली, माला डी माला एन के नाम से। आइए लिखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत कब पड़ेगी? नंबर वन, जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे कभी रेप विक्टिम है वो, रेप, वो नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, उसे लग रहा है कि ये मेरे ओव्यूलेशन का टाइम है उस समय पर। दूसरा, कोई कपल है जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करता है, बट एक दिन वो लेडी टैबलेट भूल गई है, 2 दिन भूल गई है, या कॉन्डोम रप्चर हो गया है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या अनप्रोटेक्टेड कोइटस, ऐसा समझ लो बिना कॉन्डोम के सेक्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड कोइटस। तो उस समय पर इमरजेंसी में क्या किया जा सकता है समझिएगा, 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 आवर्स के अंदर अंदर, जब ये अनप्रोटेक्टेड कोइटस हुआ है उस समय पर, या तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का हैवी डोज, यानी 3-4-5 गोली एक साथ दे देते हैं, या वो जो आईयूडी है हार्मोन रिलीजिंग वाला, मिरेना प्रोजेस्टासर्ट LNG20 वो लगा देते हैं, या एक साथ मिनी पिल 5-6 दे देते हैं। मैंने क्या कहा, आइए आपको यहां पर दिखाती हूं, देखो ध्यान से। अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स हुआ है या रेप है, उस समय पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसमें प्रोजेस्टेरॉन दे दो, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन दे दो, या हार्मोन वाला आईयूडी लगा दो 72 घंटे के अंदर अंदर। हमने क्या कहा है, आइए यहां लिखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वाली टैबलेट 3-4-5 इकट्ठी देते हैं, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बो और आईयूडी वही हार्मोन वाला, ये सब देते हैं विद इन 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 आवर्स। किसका? कोइटस का 72 आवर्स के अंदर अंदर।
मैं इसे हटा देती हूँ, मैं एनसीईआरटी की भाषा ही लिख देती हूँ, अनप्रोटेक्टेड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कोइटस, ठीक है। सो रेप विक्टिम या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कोइटस 72 घंटे के अंदर अंदर ऑफ कोइटस। आपने मार्केट में सुना होगा आई पिल के नाम से या अनवांटेड 72 के नाम से, ये वही 72 घंटे के अंदर अंदर ये गोलियां आती हैं। पता है ये एक्चुअली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए, पर आजकल इसके इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हो गए, एड्स हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके साथ ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए कि सेक्सुअली एक्टिव कपल्स ने इसे रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज करा है, जो बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। एक्चुअली इसमें बहुत हाई डोज दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन का, या ये जो हॉर्मोन्स है इनका इतना हाई डोज देते हैं कि एकदम से एलएच सप्रेस करता है, यानी ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं। और अगर कभी मान लो हो भी गया फर्टिलाइजेशन, आप इतना हाई डोज दे रहे हो और फिर एकदम से टैबलेट बंद कर रहे हो, तो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉ होता है, उस कारण एबॉर्शन भी हो जाएगा, एंडोमेट्रियम झड़ भी जाएगी, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। पर पहला तरीका यही है, तो ये बहुत गलत है। अगर आप इसे ज्यादा यूज करेंगे, रेगुलर यूज करेंगे, तो एंडोमेट्रियम बार बार बन के झड़ रही है, तो एंडोमेट्रियम डैमेज होती है। तभी तो इसका नाम है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टन यूज करना चाहिए, बैरियर मेथड है या टैबलेट्स है वो, या आईयूडी, कॉपर टी, मल्टीलोड, एलएनजी 20, जो भी यूज करना है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्यों कहते हैं और कब यूज होता है, ये भी हो गया एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, मुझे एक मिनट दीजिए। कमेंट्स वो टीवी बंद हो, लिख लो फटाफट स्टूडेंट्स, फिर हम परमानेंट मेथड पढ़ेंगे। परमानेंट मेथड, डन एवरीबॉडी, खुशी, निखिल, लिया, आदित्य, मजे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब आओ हम परमानेंट मेथड के बात करते हैं। टेम्पररी कंप्लीट हो गया है, परमानेंट स्टूडेंट्स, परमानेंट में सर्जरी करेंगे तो इन्हें सर्जिकल मेथड भी कह सकते हो आप, सर्जिकल मेथड। ये तब किया जाता है जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, दो बच्चे चाहिए थे, दो बच्चे हो गए हैं, अब नसबंदी करवाई जाएगी। सो दिस इज अ टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मतलब ये फाइनल मेथड, टर्मिनल या फाइनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अब समझो इसमें क्या करते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अगर हमने समझ लिया। जैसे सपोज करो हम मेल की बात करें, मेल में आपको पता है ये स्क्रॉटम, ये अपना टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ये सब कुछ स्क्रॉटम के अंदर है, और ये वासा डिफरेंस जा रही है स्पर्म्स को लेके ऊपर। हम क्या करें, हम स्क्रॉटम में कट लगाएंगे छोटा सा, वासा डिफरेंस को बाहर की तरफ निकालेंगे, अच्छे से बांधेंगे और काट देंगे। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके एक लूप बनाया होगा वासा डिफरेंस का, और यहां पे टाई करके कट कर दिया, यानी थोड़ी देर बाद जब मैं देखूंगी तो एक्चुअली ये ऐसे कट कर चुकी हूं मैं, ये ऊपर रखी है, यानी यहां पे क्या स्पर्म बना, हाँ बना, बिल्कुल बना। ये क्वेश्चन आता है स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, टेस्टिस में स्पर्म है, एपिडिडाइमस में भी स्पर्म है, लेकिन आपने क्या किया, एक छोटा सा कट दिया है, इंसिजन बोलते हैं बेटा, कहां दिया है, स्क्रॉटम में दिया है, उससे वासा डिफरेंस बाहर निकाली
और आपने वासा डिफरेंशिया को बांधा और काट दिया, पुल तोड़ दिया, इज टाइड एंड कट. ऑफ कोर्स दोनों तरफ करना पड़ेगा बायलेटरल, नहीं तो दूसरी तरफ से तो स्पर्म पहुंच ही जाएंगे. यानी जब आपने वासा डिफरेंस को टाई कर दिया है, कट कर दिया है, इसका मतलब अब जब सीमन बनेगा तो उसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर का सिक्रीशन तो आएगा, सेमिनल प्लाज्मा तो आएगा, पर स्पर्म नहीं आएंगे. तो नो स्पर्म्स इन सीमन, सीमन में स्पर्म्स नहीं है, इसे ही तो एजोस्पर्मिया कहते हैं. नो स्पर्म इन सीमन. स्पर्म्स बन रहे हैं हाँ, लेकिन स्पर्म रिलीज नहीं हो रहे हैं फ्रॉम सीमन. डिफरेंसिया, इफरेंशिया नहीं, इफरेंशिया कट करोगे वो तो यहां होती है, तो एपिडिडाइमस में भी स्पर्म नहीं मिलेंगे. यहां पर हम वासा डिफरेंस को कट कर रहे हैं बेटा, कट करने को, सर्जरी करने को एक्टमी बोलते हैं, तो इसे वासेक्टमी कहेंगे. वासेक्टमी, पुरुष नसबंदी जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, वासेक्टमी. एक बार क्वेश्चन आया था हिस्टेरेक्टमी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया. हिस्ट्रोवर्ड यूट्रस के लिए यूज करते हैं, अगर यूट्रस को सर्जरी करके निकालना पड़े तो हिस्टेरेक्टमी कहते हैं. वासेक्टमी में वासा डिफरेंस दोनों तरफ की, दोनों तरफ करना पड़ेगा, टाई एंड कट करना पड़ेगा. तो अब कभी भी स्पर्म तो जिंदगी भर बनेंगे लेकिन वो कभी सीमन के बाहर नहीं आएंगे, कभी खुद का बच्चा नहीं होगा. यानी हमने यहां पर करा क्या है, अगर कोई पूछे हमने यहां पर करा क्या है, क्या हमने स्पर्म के बनने को रोका है? नहीं, हमने उनके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया है, हमने मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया है. ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं, हम सीमन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं. चलिए अब फीमेल में क्या होगा, फीमेल में यही काम फैलोपियन ट्यूब्स के साथ होगा. ट्यूब्स कट करोगे तो ट्यूबेक्टमी. अब ट्यूब्स कहां से निकालते हैं, देखो या तो लोअर एब्डोमेन में कट देते हैं, सर्जरी करते हैं, ओटी में लेते हैं और फैलोपियन ट्यूब ऐसे बाहर निकाल के वही टाई करके और कट कर देते हैं, या कभी कभी वेजाइना के थ्रू भी अप्रोच करते हैं. तो यहां पर भी अ स्मॉल इंसिजन देंगे, छोटा सा, इसे लार्ज इंसिजन कर देंगे गलत हो जाएगा. वहां पर दिया था हमने स्क्रॉटम में, और यहां पर देंगे लोअर एब्डोमेन में या वेजाइना में. वहां पर वासा डिफरेंस को टाई करके कट किया था, यहां पे फैलोपियन ट्यूब को टाई करके कट करेंगे. करना ये भी दोनों तरफ पड़ेगा. इससे क्या होगा, आपने ट्यूब ही कट कर दिया तो स्पर्म एग से मिल ही नहीं पाएगा, अगेन आपने गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है. आजकल तो रिंग भी लगा देते हैं, जैसे सपोज करो ये था ना, ये ऐसे था, ऐसे कट कर देते हैं, अभी आपको ऐसा दिखेगा फैलोपियन ट्यूब ऐसा, आजकल तो रिंग भी लगाते हैं. तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, पर रिवर्सिबिलिटी एकदम पुअर है इनकी, पुअर रिवर्सिबिलिटी. नेचुरली परमानेंट मेथड है, दोनों के ही बारे में लिख रही हूं, कहां लिखूं मैं, कॉमन लिख दूं, पुअर रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी. सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. आपको एक बात बताती हूँ, एक्चुअली रिवर्सिबिलिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं, आप मान के चलो हर एक दो महीने में हमारे पास में केस ऐसा आता ही है जहां पे दो बच्चे थे 5 साल 10 साल 15 साल पहले, ट्यूबेक्टमी करा ली लेडी ने. इंडिया में अभी भी जनरली फीमेल ज्यादा करवाते हैं. अब जाकर उनके बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से, अब उन्हें एक और बच्चा चाहिए, तो वो ट्यूब कहते हैं हमारी नसें खोलने का ऑपरेशन कराना है, पर ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है. वो रिंग हटा भी दें या हम इन्हें जोड़ भी दें, तो फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था बाल जैसे सीलिया होते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम है, वो डैमेज हो जाते हैं. बल्कि रिस्क होता है कई बार कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि वो ट्यूब सकरा हो जाता है. तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो पता पड़ा ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो गया. एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक सिचुएशन, पल्सलेस बीपीलेस पेशेंट मैंने ऑपरेट करे हुए हैं. इसके गायनेक के लिए बुरे सपने की तरह होता है जब ओटी से कॉल आता है हॉस्पिटल से कि मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस आ गया है.
तो हम लोग उनको फिर IVF जो अब मैं सिखाऊंगी आपको, जहां पे ट्यूब्स को बाईपास कर देते हैं, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, वो एडवाइस करते हैं। तो क्योंकि मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं, महीने में डेढ़ महीने में एक केस ऐसा आता ही है जहां पर इस तरह से डेथ के कारण बच्चे की, और फिर ट्यूबेक्टमी कराई हुई थी पहले, इसीलिए मैं बता रही हूं कि इनकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो बहुत पुअर होती है। हाँ, इफेक्टिव तो है, नो डाउट, हाईली इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव। आईवीएफ भी काफी सक्सेसफुल होता है इसमें, क्योंकि बेसिकली ट्यूब्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्लियर है सबको, एवरीवन? हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल हार्मफुल नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। हार्मफुल क्यों होगा यार? चलो, तो ये देखो, यहां पे भी एक असर्शन रीजन बन जाएगा कि इसे टर्मिनल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये हो गया टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड। और इसमें हम क्या करते हैं, गैमेट के ट्रांसफर को ब्लॉक करते हैं, ट्रांसफर को ब्लॉक करते हैं। टेक्निक कैसे है वो मैंने आपको बता दी। ये देखिए एनसीआरटी का डायग्राम, बायलेटरल दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहां देखो फैलोपियन ट्यूब को टाई करके कट कर रहे हैं, और यहां पर वासा डिफरेंस को टाई करके कट कर रहे हैं। यहां पर स्क्रॉटम में इंसिशन देंगे, यहां पे एब्डोमेन या वेजाइना में इंसिशन देंगे। जल्दी से लिख लीजिए सब, एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर है? डन। चल, अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये सारे ही बहुत सक्सेसफुल हैं। हम लोग कॉपर टी, मल्टी लोड, मिरेना, एलएनजी 20 कॉमनली लगाते हैं महीने में पता नहीं कितनी सारी, और बैरियर मेथड कॉन्डोम्स तो खैर बहुत यूज होते हैं, इंजेक्शंस भी देते हैं हम लोग, इतना पॉपुलर इंडिया में नहीं है बट देते हैं, इम्प्लांट्स भी लगाते हैं 6 महीने 7 महीने में एक को, ट्यूबेक्टमी तो खैर बहुत करते ही हैं, मैं फीमेल गायनेक हूं तो आई डू ट्यूबेक्टमी, तो ये सब बहुत कॉमन है। अब इनके बहुत छोटे मोटे से साइड इफेक्ट्स होते हैं, हल्के फुल्के से साइड इफेक्ट्स, ये रहे, प्लीज एनसीईआरटी में इसे मार्क कर लीजिए। सो हल्के से साइड इफेक्ट्स, हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, जब टैबलेट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स हैं, तो थोड़ी बहुत जी मिचलाना यानी नौशिया हो सकता है, हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है जब आईयूडी वगैरह लगाते हैं, एकदम से ब्लीडिंग हो सकती है, पता पड़ा वो लेडी 2 टैबलेट भूल गई 2 दिन 3 दिन, तो एकदम से विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुएशन इररेगुलर शुरू में हो सकता है, और अगर ईस्ट्रोजन दे रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री है, डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे ले रही है, तो इवन ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। तो ये 5 अपने को आने चाहिए, इसे प्लीज एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसपे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और वो है MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्लीज इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको MTP। हेडिंग लिखिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब थोड़ा सा हम पहले एनसीईआरटी में मार्क करते हैं, बट सुनो, देखो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन तो वैसे भी होता है 9 महीने बाद में, वो तो नेचुरली होगा, डिलीवरी तो होगी ही, उसे एमटीपी नहीं बोलते हैं, उसे पार्चुरेशन बोलते हैं, डिलीवरी होना, चाइल्ड डिलीवरी। इसका क्या मतलब है? अगर टर्म के पहले, समय से पहले जान करके अपनी मर्जी से कोई प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहे, जिसे हम सिंपल भाषा में अबॉर्शन कराना बोलते हैं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए, इंटेंशनल या वॉलेंटरी टर्मिनेशन हो रहा है बिफोर फुल टर्म, तो उसे एमटीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में 4.5 से 5 करोड़ MTP होती है एक साल में, यानी 45 से 50 मिलियन MTPs होती है। इसके 5 गुना प्रेगनेंसीज होती है, मतलब अगर 100 प्रेगनेंसी होंगी तो उसमें से 20 को एबॉर्ट करा दिया जाता है। पूरी दुनिया के डेटा की बात कर रहे हैं, 45 से 50 मिलियन, 4.5 से 5 करोड़ एक साल में पूरी दुनिया में, जो 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज है। अब कई जगह पे एमटीपी बैन भी है, कुछ कंट्रीज में धार्मिक बैकग्राउंड्स पर, कि अगर आपके प्रेगनेंसी हुई है तो आप उस बच्चे को पालिए, उसको जन्म दीजिए, आप जिम्मेदार हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत कश्मकश में थी कि क्या किया जाए, अगर हमने बैन कर दिया तो भाई इलीगल तरीके से लोग एबॉर्शन कराएंगे, क्योंकि उन्हें तो बच्चा चाहिए नहीं, बाई चांस प्रेगनेंसी हो गई, वो कैसे पालेंगे भाई, सरकार तो देने नहीं वाली उसकी स्कॉलरशिप, उसका पैसा।
इलीगल तरह से करवाएंगे तो लेडी के यूट्रस यानी लेडी को कोई बीमारी हो सकती है, लेडी की डेथ भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेरे पास एक बार इलीगल एमटीपी का एक केस आया था बिगड़ा हुआ, यूट्रस के आर पार कैथेटर कर दिया था, शॉक में लेडी आई थी, तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर बिल्कुल खुली छूट दे दी तो पता पड़ा लोगों ने एमनियोसेंटेसिस कराया, फीमेल फीटस है, उसकी धड़ाधड़ एमटीपी कर रहे हैं। तो एमटीपी को लीगलाइज करा हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में। उन्होंने कहा एमटीपी करवाई जा सकती है पर कुछ ग्राउंड्स पर, कुछ कारण, जैसे अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन मां या बच्चे की जीवन के लिए खतरा है, मां को हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, रेप के कारण प्रेगनेंसी है, या बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप नहीं चाहते कि मां और बच्चे के जीवन को खतरा हो, तो एमटीपी करवाई जा सकती है। रेप के विक्टिम को पूरा हक है कि वो लेडी एमटीपी करवा सकती है। अगर इंटरकोर्स अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो भी करवा सकते हैं। लेडी की फर्स्ट वो मानी जाती है इच्छा इसमें एमटीपी में। तो मां और बच्चे की लाइफ को खतरा हो, बीमारी होने का खतरा हो, रेप विक्टिम है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो करवाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली एमटीपी के लिए ना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अलग से, एमबीबीएस के बाद एमटीपी की ट्रेनिंग की दी ली जाती है, वही सर्टिफाइड डॉक्टर्स ही एमटीपी कर सकते हैं। वो क्लिनिक में वो सर्टिफिकेट भी लगा रहता है। और आजकल तो सोनोग्राफी मशीन में ट्रैकर्स हो गए हैं, तो आप वो जो जेनाइटल एरिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके आसपास में अपना प्रोब भी नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि वो पूरे हर महीने पूरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स जाती है, वो ट्रैकर जो है वो पीसीपीएनडी डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, पूरी सीडी जाती है उनके पास में। तो इलीगल एमटीपी फीमेल फीटिसाइड के लिए एमटीपी अब की ही नहीं जा सकती है, पूरा फॉर्म फिल किया जाता है कि क्यों एमटीपी कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो सब लिखा जाता है। तो ये 1971 में हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले लीगलाइज किया था ताकि मिसयूज ना हो। लेकिन सारा इलीगल फीमेल फीटिसाइड वगैरह ना हो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। सो एमटीपी क्यों, ये रहा असर्शन रीजन का क्वेश्चन, क्यों है एमटीपी? ताकि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण, कोइटस के कारण, रेप के कारण, तो उससे निजात पाई जा सके। साथ में अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मां या फीटस को हार्मफुल है तो भी। तो ये सब रीजन है क्यों एमटीपी, ये सारे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, 2017 में, 1971 में पहली बार लीगलाइज की थी, 2017 में इसको फिर से रिव्यू किया गया और यही कहा गया कि हम इलीगल एबॉर्शंस ना हो, कम हो, ताकि मां की डेथ कम हो, मां को बीमारियां कम हो, मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज होना, बीमारी होना, मोर्टैलिटी मतलब डेथ होना, उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला। ये भी असर्शन रीजन हो गया। वही मेन दो ग्राउंड्स डिसाइड किए गए थे, मेन एक बच्चे को अगर रिस्क है, एक मां को अगर रिस्क है, यहां नहीं लिखा, बट तीसरा अगर रेप के कारण प्रेगनेंसी है, चौथा अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण है, पांचवा अगर कपल अपनी इच्छा से बोले कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस था पर हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो ये पांच रीजंस पर एमटीपी लीगल होती है। अब एमटीपी कब कराई जा सकती है, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से। सबसे सेफ होता है पहले ट्राइमिस्टर 3 महीने यानी 12 हफ्ते तक एमटीपी कराना, क्योंकि उसके बाद फीटस ग्रो कर जाता है, एब्डोमेन में भी आ जाता है। पर 24 हफ्ते तक, 6 महीने तक भी करवाई जा सकती है। अगर 12 हफ्ते तक कराएंगे तो एक ही डॉक्टर के राय पर, सिग्नेचर पर एमटीपी हो जाएगी। पर अगर 12 से ज्यादा हफ्ते की प्रेगनेंसी है और 24 से कम की है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन लगेगा। एक्चुअली आपको तोलना मोलना पड़ता है कि अगर आप एबॉर्शन करेंगे तो मां को ज्यादा रिस्क है, अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो कंटिन्यू करवाई जाती है, मां की हेल्थ को पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो 2 RMPs रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओके करेंगे कि ठीक है एमटीपी की जा सकती है, तब करते हैं। और 24 हफ्ते से ज्यादा की अगर प्रेगनेंसी है तो एमटीपी लीगली अलाउड ही नहीं है। फिर तो आप बच्चे को जन्म दीजिए और उसको पालिए, अगर आप 6 महीने तक भी नहीं जागे थे तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ओपिनियन ऑफ 1 RMP। लेकिन अगर मोर देन 12 एंड फ्यूअर देन 24 है तो 2 RMPs के सिग्नेचर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि सेफ मानी जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और इस पे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। अभी दिखा देती हूं आपको, सेफ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अप टू 12 वीक्स, और ये सब इसलिए किया गया है ताकि इलीगली अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वैक झोला छाप डॉक्टर जिसे बोलते हैं, उससे कहीं लोग अबॉर्शन ना करवाएं, क्योंकि उससे मां की डिजीज, मां की मृत्यु, मॉर्बिडिटी मोर्टैलिटी बढ़ी जा सकती है। इसके अलावा ये भी असर्शन रीजन है कि बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कराते हैं, सेक्स पता कर लेते हैं बिना पैदा हुआ अनबॉर्न चाइल्ड का, अगर वो फीमेल है तो एमटीपी करा देते हैं, ये भी लीगल नहीं है। इसके लिए भी एमटीपी को रूल्स के अंदर बांधा गया है, एक एक्ट बनाया गया है, एमटीपी एक्ट 1971 में लीगलाइज हुआ था, और 2017 में, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, 2017 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। एक एक वर्ड क्लियर है एवरीबडी? डेडपूल, आकिब, बिहारी व्लॉग्स, अनिष्का, दिव्या, स्पैमर्स हैं क्या भाई आज? मेरे स्टूडेंट्स कहां है, सीरियस वाले? कमऑन एवरीबडी, मेरे सीरियस स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो। असर्शन रीजंस, कितने स्टूडेंट्स मार्क कर रहे हैं, जल्दी से मी या यस कर दो। नाउ ये भी मैंने बता दिया आप, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मार्क कर ले। चल जल्दी से, सीरियस वाले स्टूडेंट्स चाहिए मुझे, स्पैमर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पैमर्स बैठे रहो अपना। एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चलो अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस भी कहते हैं, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, और इन्हें वीडी, वरुण धवन नहीं, वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। अभी हम सबके नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा ये होने का चांस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से 24 ईयर्स ऑफ एज कहां गया? चलो कोई नहीं, हम लिख ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। चल आई एसटीआई 15 से 24 ईयर्स ऑफ एज में सबसे ज्यादा होता है। हो तो किसी भी एज में सकता है जो भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। अब बहुत सारी एसटीडीज है, मैं अभी पढ़ाऊंगी, पर उसमें से तीन है जिनका कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। हाँ, सिम्टम्स कम कर दोगे आप, लेकिन इलाज नहीं है। और इस पर बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल आता है। उन तीन के सबसे खतरनाक के नाम सोच लो, तो पहला हो गया एड्स, एचआईवी वायरस से जो होगा, दूसरी हेपेटाइटिस बी, और तीसरी जेनाइटल हर्पीज। तीनों ही वायरस से होती हैं, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होती है। चलो एनीवेज, तो हर्पीस, हेपेटाइटिस और एड्स, ये इनक्योरेबल है, बाकी सारी क्योरेबल है। अब एसटीआई जब होगा तो पहले कुछ सिम्टम्स आएंगे, अर्ली सिम्टम्स, शुरू शुरू के लक्षण। क्या सिम्टम्स आएंगे? देखो बहुत इजी है, जो भी जेनाइटल एरिया है, मेल्स में पेनिस के आसपास, फीमेल्स में वो वजाइना के आसपास, बल्वा वाला जो एरिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला एरिया, सुनो ध्यान से, हल्की सी खुजली होगी, हल्का सा दर्द होगा, हल्की सी स्वेलिंग होगी, और कुछ कुछ डिस्चार्ज जैसा निकलेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हल्की सी खुजली होगी उस एरिया में, हल्का फुल्का पेन होगा, स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी सूजन आएगी, और फ्लूइड डिस्चार्ज। यही तो होता है, वजाइना में से पानी निकलने लग जाता है, यही बोलते हैं ना फीमेल्स। फिर से बोलो, हल्की सी खुजली होगी, दर्द होगा वहां पे, दर्द इमेजिन करो, दर्द होगा, सूजन आएगी, खुजली होगी, और फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। कहां पर होगा ये सब? जेनाइटल एरिया में, इन जेनाइटल रीजन। जनरली इसे गुप्त रोग बोलते हैं, लोगों में शर्म होती है। एक तो इतने हल्के सिम्टम्स होते हैं कि कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता कई बार, दूसरी बात थोड़ा सा शर्म होती है, कई सारी भ्रांतियां हैं, लोग क्या कहेंगे, उस कारण से लोग टाइम पे डॉक्टर के पास जाते नहीं है
और ये बढ़ जाती हैं और इनसे अब हो जाते हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस। वैसे तो ये ट्रीटेबल है बड़े आराम से उन तीन को छोड़ के, पर फिर हो जाते हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस ना जाने के कारण। अब लेट कॉम्प्लिकेशन आपको याद कराती हूं, अगर ये ऊपर तक फैल गया तो पूरे पेल्विस में इंफेक्शन हो जाएगा, इसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पूरे पेल्विस एरिया में डिजीज फैल जाएगी, जो अभी बाहर बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ थी वो। अब कई बार इसके कारण, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो पता पड़ा प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी। अच्छा, पता पड़ा प्रेगनेंसी हुई पर गलत जगह हो गई, ट्यूब में इंफेक्शन था, ट्यूब नैरो हो गया था, टीबी हो गई थी ट्यूब में, वहीं पर अटक गई प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। बेटा आप सुनो ध्यान से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वर्ड एनसीईआरटी में दिया है, इसकी डेफिनेशन नहीं दी। एक्टोपिक कब बोलते हैं, जब नॉर्मल जहां होनी चाहिए उसके अलावा अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन होगा उसे एक्टोपिक बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, अदर देन यूट्रस, जहां होनी चाहिए उसके अलावा अगर कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाए। This is also out of NCERT PYQ, out of NCERT, पर नाम तो दिया है ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो मैं कैसे याद कराती हूँ, या तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, या हुई तो गलत जगह हो गई, या सही जगह हुई पर एबॉर्शन हो गया, एबॉर्शन मिसकैरेज जिसे बोलते हैं। अगर अपने आप होता है तो मिसकैरेज या एबॉर्शन कहते हैं, अगर करवाते हैं खुद तो MTP बोलते हैं। अच्छा, हो सकता है प्रेगनेंसी हुई, सही जगह हुई, एबॉर्शन भी नहीं हुआ, पर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, स्टिल बर्थ, यूट्रस के अंदर ही डेथ हो गई, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। या कभी कभी कैंसर तक हो सकते हैं, सर्विक्स का कैंसर, ओवरी का कैंसर, टेस्टिस का कैंसर, इतना इन्फेक्शन फैल सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर तक हो सकते हैं। जल्दी से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली सिम्टम्स एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस, और कौन सी है जो इनक्योरेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये बहुत सारी है, अभी मैं इन सबके नाम लिखवाऊंगी आपको, डोंट वरी, ये सब किससे होती है वो भी हम लिखेंगे, अभी हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमन ये होगी 15 से 24 साल की उम्र में, एक बार एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा। अब देखो ध्यान से, अर्ली सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं और लेट कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने आपको बता दी हैं, ये एनसीईआरटी की। अब मैंने आपको अभी कहा था कि इसके सिम्टम्स कभी कभी ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, और दूसरा सामाजिक रूप से बहुत सी भ्रांतियां हैं और इसीलिए लोग डॉक्टर के पास टाइमली नहीं जाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं, एब्सेंट या लेस, और सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। नाउ इसका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं होता है, इसी सब कारणों से नहीं होता है, और इसीलिए इसको RCH प्रोग्राम में प्रायोरिटी दी गई है। ये रहा वो 15 से 24 साल, ठीक है। अब एक और असर्शन रीजन बनता है कि इन बीमारियों में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका बचाव पॉसिबल है। बस तीन का पॉसिबल नहीं होता, बाकी सबका बचाव पॉसिबल है। कैसे बचाव कर सकते हैं, अभी आपको बताया था कॉन्डोम्स, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को यूज करके अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड किया जाए। और तीसरा, हल्का सा भी डाउट है, तभी तो ये रखा गया है ताकि आपकी आपकी अवेयरनेस बढ़े, जागृति बढ़े, हल्का सा भी है तो गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, ताकि वो डिटेक्ट करके उसे कंप्लीटली ट्रीट कर सके। इतना क्लियर हुआ, अब सुनिए, ये सारे नेचुरली इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, तभी तो नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पर इनमें से जैसे HIV वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, आपको पता है वो ड्रग एडिक्ट्स में जहां नीडल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, किसी एक का ब्लड लिया या उसने ड्रग्स ली, उस पर हल्का सा ब्लड आया, उसमें HIV था,
दूसरे ने भी उससे इंजेक्ट करा, वो उसके अंदर चला गया। तभी तो डिस्पोजेबल नीडल्स अब यूज करते हैं, पहले मुझे याद है नीडल्स उबाल उबाल के बॉईल करके रीयूज करते थे, अब तो गवर्नमेंट में भी खैर डिस्पोजेबल ही आती है। तो नीडल्स शेयर करके एचआईवी हेपेटाइटिस ट्रांसफर हो सकता है। माँ में अगर है तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में जा सकता है एचआईवी हेपेटाइटिस बी, जन्मजात हो सकता है बाय बर्थ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी का खून चढ़ाया बिना टेस्ट करे तो भी हो सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही, उसके अलावा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, तो शेयरिंग ऑफ इंफेक्टेड नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या मां से बच्चे में भी हो सकता है। मां से बच्चे में ओटी के अंदर भी अगर कभी एचआईवी पेशेंट होता है, वैसे तो एचआईवी पेशेंट की सर्जरीज गवर्नमेंट में रेफर की जाती है, फिर भी अगर कभी कर रही हो तो हेपेटाइटिस बी, एचआईवी तो खैर गवर्नमेंट में ही रेफर करते हैं क्योंकि वो पूरी गवर्नमेंट उसकी उसका डेटा रखती है। इवन एचआईवी प्रेग्नेंट लेडी आती है तो गवर्नमेंट में उनको फिर रेफर कर दिया जाता है। पर हेपेटाइटिस बी की अगर मैं बात करूं, डबल ग्लव्स, डबल गाउन, सब कुछ डबल पहनते हैं, ओटी डबल स्टेरिलाइज होता है, दो दिन तक उस ओटी को दूसरे पेशेंट के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, इन्फेक्टेड वाली के थ्रू भी ये फैलता है। इस पर एक बहुत प्यारा नीट 2021 में क्वेश्चन आया है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। किसिंग के थ्रू एचआईवी और हेपेटाइटिस भी नहीं फैलता है, इस पर क्वेश्चन था, मैं बताऊंगी आपको। एवरीबडी क्लियर, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसी तरह ये देखो असर्शन रीजन, इन बीमारियों का प्रिवेंशन प्रायोरिटी है आरसीएच में, क्यों? क्योंकि ये बीमारियां हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है। जहां भी बिकॉज, ऑल दो, देयर फोर, दैट्स वाई, सो, बिकॉज, रीजन आ जाएगा, वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? चलो अब आ जाओ हम सारी एसटीआईज को एक बार लिख लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे ह्यूमन हेल्थ का भी मान सकते हो क्वेश्चन, पर यह क्वेश्चन आता है, मैच तो कॉलम करके भी कॉमनली आता है। देखिए सबसे पहली बीमारी है गोनोरिया, गोनोरिया। दूसरी सिफिलिस, प्लीज लिखिए मेरे साथ सिफिलिस। तीसरी क्लमाइडियासिस, क्लमाइडियासिस। इसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ए भी होता है, सी भी होता है, पर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। Then AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, then genital herpes, बहुत painful छाले फफोले होते हैं herpes के अंदर, then genital warts, warts, then trichomoniasis, इसमें white discharge होता है vagina से, ये प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा किंगडम्स, जिसमें अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, याद आ रहा है, तो इसका एजेंट है, उसे कहते हैं ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस, वजाइनेलिस। नाउ हर्पीज होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से। स्टूडेंट ये सब पूछा जाता है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है, बट ये क्वेश्चन आते हैं। वॉट्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, वॉट्स में जैसे फूल गोभी होती है ना, छोटे 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 उभार आ जाते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। एड्स तो खैर आपको पता ही है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, शॉर्ट में लिख देती हूं। हेपेटाइटिस बी होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से। इन्हें शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एच बी वी, हेपेटाइटिस बी वायरस, एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एच एस वी ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस एंड एच पी वी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सब वायरल डिसऑर्डर्स हैं, ये वाले चारों वायरल एस टी आईज है, वायरल एस टी आई। नाउ ये जो तीनों हैं, ऊपर वाले जो हैं, ये बैक्टीरियल हैं, ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल। आपको पता होना चाहिए क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल है या वायरल करके भी क्वेश्चन आ सकता है एसटीआई पे।
नॉन क्यूरेबल ये वाली है, ये तीनों नॉन क्यूरेबल है, हेपेटाइटिस बी, एड्स यानी एचआईवी से जो होगी, और हर्पीस। नाउ ये होती है निसीरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से, निसीरिया गोनोरी। नाउ ये होती है ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से, और ये होती है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस से, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। सिफिलिस गोनोरिया बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो ये पैथोजन है यानी जो डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, एजेंट है, उसका नाम है। इतना आपको आना ही चाहिए, प्लीज नोट कर लीजिए एवरीबडी, प्लीज नोट करिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको आना चाहिए। गोनोरिया, क्लमाइडियासिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, हर्पीस, वॉट्स एंड ट्राइकोमोनियासिस। क्लियर एवरीवन? नोटेड। 5 मिनट का ब्रेक लें अपन, फिर इनफर्टिलिटी शुरू करेंगे, लास्ट टॉपिक। हमने ओवर पॉपुलेशन की बात कर ली, फैमिली प्लानिंग की बात कर ली, आरसीएच की बात कर ली, उसके बाद हमने एमटीपी की बात कर ली, एमनियोसेंटेसिस की बात कर ली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस की बात कर ली, और पूरा कॉन्ट्रासेप्शन देख लिया, टेम्पररी, परमानेंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, सब कुछ। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी, जो मैं रोज करती हूँ, जो मेरा रोज का काम है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं केवल, बहुत ज्यादा ब्रेक आपको नहीं दूंगी मैं खुद भी, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। अभी मेरी घड़ी में हो रहा है 1:00, 1:05 पे मिलते हैं, बस 5 मिनट, 1:05। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो रेडी टू रॉक एंड रोल वंस अगेन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत मजेदार तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी। आज आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। आई होप सबको मजे आ रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ फर्टिलिटी, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि एनसीईआरटी की समरी भी पढ़ा करो। कई बार ऐसा पॉइंट सिर्फ समरी में लिखा होता है जो थ्योरी में है ही नहीं। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैं हमेशा बताती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखा है कि वो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। अपन हमेशा आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस और एसईआर लिपिड एंड स्टेरॉइड याद रखते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी रोल है। इसी तरह इनफर्टिलिटी कब कहते हैं, वो जो 2 ईयर्स वाला पॉइंट है अभी बताऊंगी, वो सिर्फ समरी में लिखा है, थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है। तो समरी भी प्लीज जरूर पढ़िए, सुनिए ध्यान से। इसे निसंतानता कहते हैं, बच्चे ना लगना, प्रेगनेंसी ना होना। एक कपल जो कम से कम 2 साल से सेक्सुअली साथ रह रहे हैं, यानी सेक्सुअल कोहैबिटेशन है, साथ रह रहे हैं और कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इनफर्टिलिटी कहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी बस 2 महीने से ही उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया, उसके पहले वो कॉन्डोम या पिल्स यूज कर रहे थे और अब वो बोले वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ गए, उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, कम से कम 2 साल। सो व्हाट इज इनफर्टिलिटी, क्या है इसकी परिभाषा? इट इज इनएबिलिटी टू कंसीव, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इनएबिलिटी टू कंसीव Even after 2 years of unprotected, इसे protected कर देंगे तो wrong statement हो जाएगा, sexual cohabitation, साथ रह रहे हैं 2 साल से, कोई contraception use नहीं कर रहे हैं, यानी pregnancy के लिए try कर रहे हैं फिर भी pregnancy नहीं हो रही है। ये 2 ईयर्स वाली बात सिर्फ एनसीईआरटी की समरी में दी है, थ्योरी में कहीं नहीं दी है। हालांकि ऐसा फिक्स रूल नहीं होता, मान लो किसी की शादी 33-34 ईयर्स में हुई है तो वहां पर हम 2 साल वेट करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग रिजर्व कम हो रहा है, फॉलिकल्स कम हो रहे हैं, तो वहां पर जल्दी भी एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बट हाँ आपके लेवल पर क्वेश्चन आएगा तो यही करना है। अब इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं, चल इसको मैं स्ट्रिक से याद कराती हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक भाई, बायो तो हमारी स्ट्रांग हो जाती है पर फिजिक्स केमिस्ट्री इज डेंजरस। आइए देखते हैं, फिजिक्स मतलब कोई फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल, फिजिकल मतलब कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो भी हॉर्मोन्स में गड़बड़ होती है, या जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल, जैसे एक बड़ा खतरनाक सिंड्रोम होता है स्टूडेंट्स, हजारों लाखों में एक को होता है, पर वो एक जिसको होता है, मैंने वो पेशेंट देखी हुई अपनी लाइफ में जिसे रॉकिंसकाई सिंड्रोम था, उसमें वजाइना ही नहीं होती है, आर्टिफिशियल वजाइना हालांकि हम लोग लगाते हैं, तो उसमें वजाइना और यूट्रस ही नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल वजाइना तो बना सकते हैं, वजाइनोप्लास्टी, जिससे शी कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स लेटर ऑन, शी कैन मैरी, बट यूट्रस नहीं है तो खुद प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटी है, जन्मजात प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है, स्पर्म्स बनते ही नहीं है, या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कई बार फीमेल पार्टनर का बॉडी, इम्यून सिस्टम मेल पार्टनर के स्पर्म्स को फौरन समझ के रिजेक्ट कर देते हैं, एंड अगर वो कोई दवाइयों पर है, ड्रग्स जैसे एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्सी, एंटी डिप्रेसेंस, ये मेडिसिन भी फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कंजेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल एंड ड्रग्स, यानी मेडिसिन, दीज आर द मेन 5 reasons। एनसीईआरटी लिखती है कि ज्यादातर फीमेल्स को टॉर्चर किया जाता है इनफर्टिलिटी में भी, बट ज्यादातर प्रॉब्लम मेल में होती है। तो ऐसा नहीं मेल को टॉर्चर करो, मैंने ऐसा देखा है कि जनरली 30-30% ऐसे केसेस होते हैं जहां ओनली वाइफ या ओनली हस्बैंड में प्रॉब्लम है, बट 40% केसेस ऐसे होते हैं जहां थोड़ा थोड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सो
रीजन इनफर्टिलिटी के, अगेन रीजन आ गया, तो ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब इस तरह के क्लिनिक्स जो इन ऐसे कपल्स को जिनके बच्चे नहीं हो रहे हेल्प करेंगे बच्चा लगने में, जहां पे जो मैं भी वर्क करूंगी, उसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ऐसी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जो हेल्प करेंगे डायग्नोसिस करने में और करेक्ट ट्रीटमेंट करने में, उन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलेंगे। और जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम, उन्हें असिस्टेड, क्योंकि हम हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहेंगे, ARTs, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। बेटा ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम तरीके अपनाएंगे, और क्लिनिक को कहेंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक। ये रही वो लाइन कि ज्यादातर फीमेल को ब्लेम किया जाता है, पर काफी बार प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी होती है। अब क्या क्या तरीके हैं वो ऑफ कोर्स मैं भी आपको समझाऊंगी, आपकी टिप्स पे करा दूंगी, ये सब तो आपको यूं आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगी। अब ये जो प्रोसीजर्स हैं इनमें बहुत हाई प्रिसिजन चाहिए। आप पहले नीट क्लियर करोगे, फिर MBBS क्लियर करोगे, फिर PPG क्लियर करोगे, फिर MS गायनेक करोगे, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, जो मैं करती हूं, इसीलिए मुझे टाइम मिल पाता है, क्योंकि पूरा प्लान्ड वर्क होता है हमारा। हाई प्रिसीजन चाहिए, तो नेचुरली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बड़े महंगे महंगे आते हैं, यानी क्लिनिक का सेटअप बहुत महंगा होता है, और इसीलिए आज भी ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है और काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हालांकि अब तो कॉम्पिटिशन के कारण इतने इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हो गए कि कंपेरेटिवली रेट कम हो गया है, फिर भी ये शॉर्ट शॉर्ट तो होता नहीं है। आखिरी में अल्टीमेटली प्रेगनेंसी, वो एम्ब्रियो चिप, हम एम्ब्रियो बनाने की गारंटी ले सकते हैं, एम्ब्रियो यूट्रस में डालने की गारंटी ले सकते हैं, चिपकेगा कि नहीं वो आज भी ईश्वर के हाथ में। इसलिए पूरी दुनिया में कोई इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है जिसकी 100% सक्सेस रेट हो। तो आज भी IVF में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर साइकिल लग जाता है, दूसरे ट्रीटमेंट के कंपेरिजन में आज भी ये बहुत महंगा है। देखिए हाई, एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग चाहिए, एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, और महंगे इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। इसीलिए दैट्स वाई असर्शन रीजन हो गया। ये फैसिलिटी आज भी ओनली फ्यू सेंटर्स में अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ लोग इसे अवेल कर पाते हैं। NCERT लिखती है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, छोड़े गए बच्चे हैं, इसीलिए अभी भी एडॉप्शन सबसे अच्छा तरीका है अगर कोई कपल के प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऑर्फन बच्चे हैं, डेस्ट्यूटेड बच्चे हैं, तो हमारा लॉ लीगल एडॉप्शन कहता है, और अभी भी इसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सामाजिक प्रेशर भी बहुत होता है, खुद का बच्चा, इमोशनल एंगल भी होता है उसके साथ जुड़ा हुआ। अरे हमारे लड़के जैसी आंखें हैं, दादाजी को तो पोता ही चाहिए, अपना खुद का ही चाहिए। तो बहुत सारे इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स हैं जो एडॉप्शन को होने से रोकते हैं लोगों को, और वो इन ट्रीटमेंट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। ब्लड लाइन, आपको पता है क्या 4-5 पीढ़ी पहले कौन थे, नाम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ब्लड लाइन। तो ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एडॉप्शन इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, बट इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स हैं जो आज भी लोगों को अडॉप्ट करने से रोकते हैं। तो आइए हम समझते हैं ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। मुझे 4 टेक्नोलॉजी पढ़ानी है आपको। नंबर 1 AI, नंबर 2 गिफ्ट, नंबर 3 IVF ET, इसी में ZIFT और IUT पढ़ाऊंगी, एंड नंबर 4 ICSI। ऐसी टिप्स पर होंगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ये बात की भी गारंटी है। चलिए आइए सबसे पहले लॉजिक से समझेंगे। मान लो एक कपल है, उसमें हस्बैंड इनसेमिनेशन नहीं कर पाता किसी भी कारण से। हो सकता है पेनिस प्रॉपरली इरेक्ट नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या इरेक्ट होता है पर इजैक्युलेशन प्रॉपर नहीं होता हो किसी भी कारण से, या हो सकता है वो कपल को कोइटस में ही कोई प्रॉब्लम, किसी भी कारण से अगर मेल इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, मेल इज अनेबल टू इनसेमिनेट, ठीक है, मेल पार्टनर इज
अनेबल टू इनसेमिनेट फीमेल पार्टनर, यानी सीमन प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, तो क्या किया जाता है, ऐसे हस्बैंड का मास्टरबेशन के थ्रू सीमन सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, उसे थोड़ा प्रोसेस करते हैं कुछ मीडिया वगैरह में, ताकि स्पर्म्स की मोटिलिटी जो स्लो मूविंग है थोड़े फास्ट मूविंग हो जाए, एक कैथेटर के अंदर लोड करते हैं और उस लेडी की वजाइना में या डायरेक्ट यूट्रस में इनसेमिनेशन हम करवा देते हैं। हमने यहां पर सीमन डिपॉजिट करवाया आर्टिफिशियली, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। क्यों? क्योंकि मेल पार्टनर नेचुरली सीमन डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कब करवाओगे, जब मेल पार्टनर इज अनेबल टू इनसेमिनेट, नंबर वन। या मान लो कॉइटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेनिस के इरेक्शन में इजैक्युलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसेमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पर्म का काउंट बहुत कम है, तो प्राकृतिक तरीके से जो सीमन वजाइना में जाता भी है उसमें से कोई भी स्पर्म बेचारा फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि स्पर्म ऑलरेडी बहुत कम है, जो है भी बड़े स्लो मूविंग है, वो वहीं सर्विक्स में यूट्रस में वजाइना में ही मर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, यानी वेरी लो स्पर्म काउंट है, वेरी लो स्पर्म काउंट। उस केस में भी हम क्या करते हैं, सीमन लिया, उसे मीडिया से प्रोसेस किया ताकि स्पर्म थोड़े फास्ट मूविंग हो जाए, और डायरेक्ट यूट्रस में डालेंगे, पहले वजाइना में डाल रहे थे, अब सीधे यूट्रस में डाल रहे हो, मोटिलिटी भी थोड़ी बढ़ा दी है, तो चांस बढ़ जाएगा कि वो फैलोपियन ट्यूब तक चला जाए। फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तो आपने तो सीमन डाल दिया है बस, अब फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही होगा, इनसाइड बॉडी, यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, आप बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी। आपने तो केवल मेल पार्टनर का जो सीमन है उसे फीमेल पार्टनर की वेजाइना में या यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया बस, और क्यों किया वो मैंने आपको समझा दिया है, यानी हस्बैंड सीमन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल पार्टनर या वाइफ। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है भाई, या तो इंसेमिनेशन नहीं हो रहा था आपने आर्टिफिशियली करवा दिया, या इंसेमिनेशन हो रहा था पर वेरी लो स्पर्म काउंट था तो भी आपने आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवा दिया, वेरी लो स्पर्म काउंट था दो कारण से, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही होगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें हम क्या करते हैं, उस लेडी को जो भी जब अच्छा ग्राफिन फॉलिकल दिखता है सोनोग्राफी करके देख लेते हैं, फिर LH का इंजेक्शन भी देते हैं ताकि वो रप्चर हो जाए, उसी समय पर उसको हम AI के लिए बुलाते हैं, कोई भी एनेस्थीजिया वगैरह नहीं देते, OPD में बस लेते हैं, नॉर्मल लिटाते हैं, और वो पहले एक दो घंटे पहले हस्बैंड का सीमन लेके प्रोसेस करके और उसको वजाइना में डाल देते हैं। हम लोग नॉर्मली वजाइना में नहीं डालते, हम सीधे यूट्रस में डालते हैं ताकि और चांस बढ़ जाए। NCERT लिखती है वजाइना में भी डाला जा सकता है और यूट्रस में भी डाला जा सकता है। अगर यूट्रस में डालोगे तो उसे कहते हैं इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन। सीमन ही डाल रहे हो आप बेटा, ध्यान रखो जाइगोट या एम्ब्रियो नहीं डाल रहे हो, फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ, वो तो नेचुरली होगा बॉडी में। IUI कहते हैं इसे, IUI इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन, और टोटल वैसे इसे AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। तो अगर AI वर्ड का मतलब सीमन डाल रहे हो आर्टिफिशियली, वजाइना में भी डाल सकते हो, यूट्रस में भी डाल सकते हो, पर्टिकुलरली यूट्रस में डाल रहे हो, तो उसी AI को IUI बोले। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बता दो एवरीबडी। चल अब एक और सिचुएशन लेते हैं, सेकंड सिचुएशन। मान लो एक लेडी है, उसके अंडा नहीं बनता, ठीक है, अ फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, कुछ भी कारण हो सकता है,
उसके हॉर्मोन्स गड़बड़ होंगे, फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा, या फॉलिकल रप्चर नहीं होता होगा, ओव्यूलेशन नहीं होता होगा, कुछ भी करके वो अंडा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। हाँ, लेकिन उसके फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो सकता है, यानी बट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब फैलोपियन ट्यूब्स हेल्दी हैं, फर्टिलाइजेशन कहां होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, एंड फर्दर डेवलपमेंट। फर्दर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इम्प्लांटेशन और पूरा जेस्टेशन, जो भी फर्दर सब कुछ होना है। तो ये कहां होगा? एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, पर हम जानते हैं यूट्रस। और ये कहां होगा? एनसीईआरटी में नहीं लिखा, हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब। यानी उसके फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, पर अंडा नहीं बनता। अंडा नहीं बनेगा तो फिर जायगोट कैसे बनेगा? फिर क्या फायदा फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस अच्छा होने का? तो क्या करते हैं, एक दूसरी लड़की फीमेल डोनर ली जाती है, उसके फॉलिकल्स, उसका अंडा निकालेंगे बाहर। एक्चुअली उसको FSH के इंजेक्शन देते हैं ताकि मल्टीपल फॉलिकल्स बने, क्योंकि नॉर्मली तो हर महीने एक ही ओवरी में एक ही फॉलिकल बनता है, तो इतना महंगा प्रोसीजर एक अंडे के भरोसे थोड़ी करेंगे। तो मल्टीपल फॉलिकल्स बने, FSH के इंजेक्शंस देते हैं, फिर जब अच्छे ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं, फिर LH का इंजेक्शन देते हैं, फिर वो फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, फिर उस ओवा को कलेक्ट करते हैं, और उस अंडे को, उस औरत से जो अंडा लिया है, उसे, इस लेडी जिसे मां बनना है, इस कपल के वाइफ को, उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। उसके बाद या तो वो नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं, या हम लोग IUI कर देते हैं, हस्बैंड का सीमन डाल के। फर्टिलाइजेशन अभी भी हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, हमने तो सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में अंडा डाल दिया, फीमेल गैमीट डाल दिया, क्योंकि वो बन नहीं पा रहा था। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? यानी ओवम फ्रॉम अ हेल्दी डोनर इज introduced into fallopian tube. Of course, ये जो बच्चा होगा इसके अंदर जो genetics आएगा वो उस donor का आएगा, और semen जिसका ले रहे हो, अगर husband का ले रहे हो तो husband का आएगा, genetics नहीं, but वो पैदा इसी माँ से होगा, right? So ovum is introduced from a donor. यहां पे भी जो fertilization होगा वो naturally होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा, इन विवो ही होगा। ये भी अभी इन विट्रो नहीं है, ये भी इन विट्रो नहीं है, इसे क्या कहेंगे? हमने अंडा फैलोपियन ट्यूब में क्यों डाला? क्योंकि नेचुरली भी अंडा फैलोपियन ट्यूब में ही आता है, इसमें हम फीमेल गैमीट को डाल रहे हैं। सो गैमीट कहां डाल रहे हो? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंदर यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंट्रा फैलोपियन, वहां पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं गैमीट को। बेटा ये कौन सा गैमीट है? गैमीट मतलब फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट की बात हो रही है ये, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसे ही कहते हैं गिफ्ट, गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया। आपके दिमाग में आएगा इंट्रा फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं? गैमीट डाल रहे हैं। अभी तो फीमेल गैमीट डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अंडा नहीं बना पा रही है। तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगा, नेचुरली होगा बॉडी के अंदर। मजे आ गए? जल्दी से नोट करो, गिफ्ट फुल फॉर्म PYQ आया हुआ है इस पर, गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछा था, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से लिख लीजिए। चलो अब आ जाओ तीसरी सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन नंबर 3। मान लीजिए एक लेडी है, उसके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, नेचुरली ब्लॉक्ड है,
वो आई, हमने एक टेस्ट होता है HSG टेस्ट, वो करा या लैप्रोस्कोपी की, हमें पता चला ट्यूब्स ब्लॉक है। ट्यूब्स ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, आगे प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, तो क्या करें? अब हमें ट्यूब्स को बाईपास करना है, क्या करते हैं? वाइफ के अंडे अच्छे बन रहे हैं तो वाइफ को FSH के इंजेक्शन देंगे ताकि खूब फॉलिकल डेवलप हो, LH देंगे ताकि वो रप्चर हो, और फिर उस दिन वाइफ को हम लोग बुलाते हैं सुबह, भूखे पेट बुलाते हैं, हल्का सा एनेस्थीजिया देते हैं, जनरल एनेस्थीजिया, और सारे फॉलिकल्स अंडे बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है? 10-15 मिनट में उसे होश आ जाता है, वर्किंग है तो अपने जॉब पे भी जा सकती है। उसी दिन हस्बैंड का सीमन भी ले लेते हैं, उसे भी थोड़ा और अच्छा प्रोसेस कर देते हैं, या अगर हस्बैंड बाहर पोस्टेड है, आउट ऑफ इंडिया है, आर्मी में है, बॉर्डर पे है, तो जब आते हैं ट्रीटमेंट के दौरान तब वो अपना सीमन दे देते हैं, फ्रीज कर लेते हैं वो -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर। तो अंडे ले लिए वाइफ से, सीमन ले लिया हस्बैंड से, अगर वाइफ के अंडे भी नहीं बनते मान लो ट्यूब्स के साथ साथ, या हस्बैंड के स्पर्म नहीं बनते, तो डोनर से भी ले सकते हैं, फिर वो इंजेक्शन वगैरह भी हम डोनर को देंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे ओवा लिया फ्रॉम वाइफ या डोनर, और सीमन यानी स्पर्म, सीमन लिया, सीमन यानी वही, सीमन के अंदर स्पर्म्स ही चाहिए बेसिकली, फ्रॉम अगेन हस्बैंड या डोनर, फ्रॉम हस्बैंड या डोनर। अब हमने इन्हें बाहर लैबोरेटरी के अंदर, जैसे ये डिश है, ये फॉलिकल्स हैं, अंडे हैं, सीमन छोड़ दिया हमने, तो सीमन में स्पर्म्स हैं, वो अपने आप अंदर जाकर घुसेंगे। नेचुरली हमने इसे छोड़ दिया, यानी फर्टिलाइजेशन जो हमने किया है, फर्टिलाइजेशन वो इन लैब, आउटसाइड बॉडी। इस समय इस डिश को खाना पीना टेम्परेचर पीएच वही रखते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में नेचुरली रहता है, इन सिम्यूलेटेड कंडीशंस। बेटा सिम्यूलेटेड का मतलब सेम कंडीशंस, जैसी बॉडी में होती हैं, जैसी बॉडी में होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम, बिल्कुल उसी तरह की कंडीशंस में, सेम कंडीशंस में हमने फर्टिलाइजेशन कराया है, इन लैबोरेटरी यानी आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। और आउटसाइड बॉडी के लिए वर्ड यूज करते हैं, आपको पता है, इन विट्रो। यानी यहां मैंने कराया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया, यानी हम कहेंगे जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन लैब, इन लैब, या कहो बॉडी के बाहर बना है, आउटसाइड बॉडी, या कहो इन विट्रो बना है, सब एक ही बात है। अब क्या ये जाइगोट पूरा बच्चा बना देगा लैब के अंदर? 9 महीने बाद उस लैब में से बच्चा निकलेगा, मम्मी मम्मी पापा पापा कहता हुआ? नहीं, हम इसे वापस यूट्रस में डालेंगे, क्योंकि लेडी का यूट्रस अच्छा है। कभी कभी यूट्रस भी अच्छा नहीं हो तो फिर सरोगेट मदर किराए की कोक लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा बन के पैदा होता है, अरे येलो येलो मम्मी येलो पापा। हाँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में से निकलता है उछलता हुआ, डिजाइनर बेबी टेस्ट ट्यूब में से नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आपको इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। आया समझ में, मजे आ रहे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसे शॉर्ट में लिखते हैं IVFET, IVFET। केवल IVF कराने से काम नहीं चलेगा फर्टिलाइजेशन से, वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करोगे, आओ समझो एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करोगे। यहां अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नॉलेज है ना, जो मैंने आपको सिखाई थी, तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन। हमने क्या पढ़ा था, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनता है,
टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, मॉर्यूला तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है, फिर जैसे ही 16 सेल स्टेज बनती है वो यूट्रस में आ जाता है। हम यहां यही करेंगे, अगर आप जाइगोट या टू सेल या फोर सेल या एट सेल स्टेज में एम्ब्रियो को बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते हो तो फैलोपियन ट्यूब में करोगे, क्योंकि वही होता है वो नेचुरली। और अगर 8 सेल से ज्यादा ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो है, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल में आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो नेचुरली आप कहां करोगे, यूट्रस में करोगे, क्योंकि वही होता है। कितना इजी है देखो, अगर आप जाइगोट या शुरू शुरू का एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो, कितना अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक का करना चाहते हो तो कहां करोगे, वही जो नॉर्मल होता है इनटू फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर एम्ब्रियो आपने लैब में 8 सेल्स तक का बना लिया था, आपने 16 सेल का लैब में बनने दिया, लेबोरेटरी में 16 सेल 32 सेल तक काम होने दिया आपने, मान लो मोर देन 8 सेल है, तो आप उसे कहां डालोगे, यूट्रस में डालोगे। अब बड़ा ध्यान से सुनना, आपको मजे आ जाएंगे, आई प्रॉमिस मजे आ जाएंगे। अगर यूट्रस में डालते हैं तो इसे कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने अभी सिखाया था इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन, वहां सीमन डाला था यूट्रस के अंदर, वहां फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होने दिया था, यहां एम्ब्रियो डाल रहे हो यूट्रस के अंदर, यानी यहां फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी बॉडी के बाहर हो चुका है, ये है आईयूटी। तो एक बड़ा आईयूटी, यहां एम्ब्रियो डाल रहे हो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, एक बड़ा आईयूआई, वहां सीमन डाल रहे हो फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, और एक बड़ा आईयूडी, डी फॉर डेली, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वो लिपीज लू, कॉपर रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर फैलोपियन ट्यूब में डालोगे तो क्या नाम दोगे, देखो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, तो जाइगोट, इसको मिला के जाइगोट बोल देते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर मतलब इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, हाँ, ये हो गया जिफ्ट। अभी मैंने सिखाया था गिफ्ट, गिफ्ट में क्या डाल रहे थे, गैमीट, वहां भी फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो पर गैमीट, फीमेल गैमीट डाल रहे हो, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। और यहां जाइगोट या 8 सेल तक का एम्ब्रियो डाल रहे हो, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। मजे आ गए, यानी ईटी दो तरह का होता है, या तो जिफ्ट अगर जाइगोट या 8 सेल तक डाल रहे हो, या आईयूटी अगर मोर देन 8 सेल डाल रहे हो। और इस फंडे पर बहुत प्यारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो वो क्वेश्चंस आप गड़बड़ कर देंगे, पीवाईक्यूज आए हैं, बिल्कुल आए हैं। मजे आ गए, 4-5 साइकिल्स तो करते ही करते हैं डेली, कम से कम। तो ईटी के दो तरीके होते हैं, यानी एक्चुअली जिफ्ट या आईयूटी जो है, ये जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी यानी आईवीएफ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो जिफ्ट या आईयूटी कुछ भी होता है, हम लोग जनरली आईयूटी करते हैं, जनरली 32 सेल या 64 सेल पर एम्ब्रियोस को ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। जल्दी से नोट करो, फिर हम लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। हो गया नोटेड, दीक्षा, राहत। चलिए अब आओ हम बात करेंगे, यहां देखो ये असर्शन रीजन बन जाएगा, इसके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। गिफ्ट में शी इज नॉट एबल टू कंसीव, क्योंकि वो अंडा नहीं बना पा रही है, ये असर्शन रीजन हो गया है। इसी तरह से एआई क्यों करते हैं, या तो इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा या वेरी लो स्पर्म काउंट है, तो ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही तो बनते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, जहां भी कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, वो असर्शन रीजन बन जाता है। आइए अब फोर्थ पढ़ते हैं,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है आईवीएफ फेल होते हैं रिपीटेड, कहीं और से आईवीएफ कराया, एक बार दो बार तीन बार फेल हो रहा है। फेल मतलब कुछ रीजन नहीं पता चल रहा, सब कुछ अच्छा था, एम्ब्रियो भी अच्छा था, पर चिपक ही नहीं रहा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आईवीएफ किया, बाहर फर्टिलाइजेशन कराया, उसमें नेचुरली छोड़ देते हैं उस डिश के अंदर कि अपने आप स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर घुसेगा, फर्टिलाइज करेगा, पर कभी कभी जोना पेलिसिडा बड़ी थिक होती है, पता पड़ा स्पर्म पियर्स ही नहीं कर पाया, जायगोट ही नहीं बना। या कभी कभी, ये आपको रियल बात बता रही हूं, एजोस्पर्मिया है, मान लीजिए सीमन में स्पर्म नहीं आते हैं, वासा डिफरेंस बचपन से ही ब्लॉक्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एपिडिडाइमस में स्क्रॉटम के थ्रू एक नीडल डालते हैं और एपिडिडाइमस से स्पर्म्स को निकाल लेते हैं। वो स्पर्म बड़े कीमती है, इक्के दुक्के स्पर्म है, बड़े कीमती स्पर्म है, सर्जरी करके बाहर निकाले हैं प्रोसीजर से, हम उन्हें यूं ही नेचुरली छोड़ नहीं सकते फर्टिलाइज करने के लिए। उन सब जगह पे क्या होता है, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, उसकी हेल्प से जो ओवम है, जो अंडा है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर खुद जो डॉक्टर है एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वो खुद स्पर्म को इंजेक्ट करता है। जनरली हम लोग तब करते हैं जब एजोस्पर्मिया है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, और डायरेक्ट एपी उसको हम लोग, चलो आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी मैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं एपिडिडाइमस से। या जब रिपीटेड आईवीएफ फेलियर होते हैं, या आईवीएफ करने पर, मतलब आईवीएफ ईटी करने पर जायगोट ही नहीं बन रहा होता है, तो क्या किया जाता है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, खुद हम चांस नहीं लेते हैं, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ऑफ कोर्स पहले जायगोट बनेगा और फिर अल्टीमेटली एम्ब्रियो बन जाएगा। और ये सब कुछ कहां होगा, ये लेबोरेटरी के अंदर होगा। मतलब बेटा यहां पर भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी ही है, ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, अलग से नहीं है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो रहा है, और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, आप ऐसा समझ लो। खर्चा और बढ़ जाता है, हमारे यहां पर नॉर्मल आईवीएफ का जितना खर्चा है उसमें 5,000 एक्स्ट्रा लगते हैं इस प्रोसीजर को करने के। जितनी बड़ी सिटी होगी तो और पैसा बढ़ जाता है, अलग से स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है क्योंकि। तो ध्यान रखो यहां पर भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है, पर यहां पर्टिकुलरली स्पर्म को खुद ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, तो जायगोट और एम्ब्रियो बनने की तो 100% गारंटी है। पहले वाले प्रोसेस में तो हो सकता है जायगोट बने ही नहीं, आजकल अच्छे जो हायर सेंटर्स हैं वहां पर नॉर्मल आईवीएफ ना करके यही किया जाता है। आइए अब हम इसका नाम लिखते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो इंट्रा फैलोपियन, यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन, साइटोप्लाज्म के अंदर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। क्या कर रहे हो, स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। किसका साइटोप्लाज्म है, अंडे का, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी कहते हैं इसे, इक्सी, इक्सी। तो इक्सी में भी क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं बस ये कर दो, ऑफ कोर्स इसके बाद आपको ईटी भी करना पड़ेगा, वही कहानी, वही सेम कहानी, 8 सेल से ज्यादा है तो यूट्रस में डालोगे जायगोट, या अप टू 8 सेल है तो जिफ्ट करोगे फैलोपियन ट्यूब में डालोगे। तो ध्यान रखो नॉर्मल आईवीएफ और इक्सी दोनों में ही फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी है, जिसमें फॉलोड बाय ईटी होगा। गिफ्ट में और एआई में, इनमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी है। बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं से कुछ गलत नहीं होगा, सारे नादान परिंदों, एवरीबडी वेरी वेरी क्लियर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और नॉर्मल आईवीएफ में डिफरेंस समझ में आ गया है। चलिए तो अब यहां पर आकर, वन सेकेंड मैं देख लूं कोई भी लाइन मिस तो नहीं हुई है, कोई असर्शन रीजन नहीं, तो हमने कंप्लीट कर लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर। क्या बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंप्लीट कराया है, 2 घंटे 40 मिनट में। अब आइए फटाफट से इसके एमसीक्यूज करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, क्योंकि इसके
कुछ PYQs बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और PYQs एज इट इज रिपीट भी होते हैं, तो हमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं करनी है। चलिए तो मैंने ये पोल लगा दिया है, करिए ट्राई, प्लीज स्टार्ट करिए। 2016 का क्वेश्चन, करिए ट्राई, जहां कंट्रोवर्शियल है वहां भी बताऊंगी। बेटा आपको बताया ना, सहेली जो है वो उसमें सेंट क्रोमेन है, वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ पहले ही बाइंड कर जाता है, तो ईस्ट्रोजन नहीं बाइंड कर पाता, ब्लॉक हो जाते हैं रिसेप्टर्स। सो इनकरेक्ट, आदत बनाओ फॉल्स लिखने की एमनियोसेंटेसिस के बारे में, ये बिल्कुल सही है। समय से पहले मतलब प्रेगनेंसी में सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हो। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर, ये गलत है। क्लेफ्ट पैलेट नहीं, ये नॉन जेनेटिक डिजीज को नहीं कर सकते हो आइडेंटिफाई। 64% ने सही दिया, भावेश ने सबसे पहले, हेमलता, युक्ति, वेरी गुड। चलो एक और पोल लगाते हैं, देखो 2013 में फिर आ गया, फिर आ गया, कैनॉट बी डिटेक्टेड। 2013 में आया और सेम क्वेश्चन 2016 में आया, बस हल्के से ट्विस्ट के साथ में। क्लाइनफेल्टर क्या होता है, 44+ होना चाहिए, एक्स वाई, एक्स्ट्रा एक्स आ गया, ये तो आराम से देख सकते हो एमनियोसेंटेसिस में। डाउन सेक्स सब देख सकते हैं, जॉन्डिस नहीं होगा। 2013 और 2016 इसको मैं कहूंगी रिपीट PYQ, यू नेवर नो, फिर आ जाए तो अच्छी बात है, अपन तो आंसर लगा देंगे। 71% ने सही दिया, भावेश ने फिर से सबसे पहले, उसके बाद दिव्या ने। चलिए ये करिए ट्राई, 2022 का क्वेश्चन, करिए ट्राई एवरीवन। 2022 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड बैरियर है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 3, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड आएगा, याद रखना। 69% ने सही दिया, भावेश, ट्विंकल, चॉक्स, वेरी गुड। चलो मैं साइड हो जाती हूं, ये लो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम वैसे ही ट्राई करना, पहले ए देखना क्या है, करिए ट्राई, करिए ट्राई स्टूडेंट्स एवरीबडी। पहले ए देखो क्या है, फिर बी देखो, टेक्निक सही होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। हाँ जी, सो डायफ्राम जो है ये सर्विक्स को कवर करके ब्लॉक कर देंगे एंट्री ऑफ स्पर्म, तो ए का 4 होगा, ये नहीं होगा। बी नहीं देखना, सीधे सी देखो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, फैगोसाइटोसिस करवा देंगे, सी का 2 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये ओव्यूलेशन वगैरह इनहिबिट करेंगी, इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट कर सकती हैं, और लैक्टेशनल एमिनोरिया में पीरियड नहीं आते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। चैट बॉक्स में भी ऑलमोस्ट सभी सी दे रहे हैं। स्टडी से रिलेटेड कोई और डाउट्स हो तो प्लीज अपनी चैट बॉक्स में लिखिए। 70% बहुत बढ़िया, देवेश, ट्विंकल, मयंक, युक्ति, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करिए ट्राई, मैच द कॉलम। हाँ जी, वॉल्ट्स जो है ये सर्विक्स में स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे, बहुत बढ़िया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तुरंत दे दिया था, मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। IUD फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, वासेक्टमी में वासा डिफरेंस हटा देंगे, ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब हटा देंगे। बट खैर, हमारा तो आंसर एक झटके में आ चुका है, मेरे सारे नादान परिंदे सही दे रहे हैं। 79% साहिल, भावेश, ट्विंकल, एनजो, वेरी गुड। चलिए अब इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, करो ट्राई। हां जी, एक स्टूडेंट ने यहां लिखा था, नाम मिस हो गया है, कि मैम मैं शायद 3 या 4 महीने से 4x4 टेक्निक कर रही हूं या कर रहा हूं, और मेरे मार्क्स कुछ 520 से 663 इंक्रीज हो गए हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेडली नाम जप और 4x4 टेक्निक करेंगे, आपके बहुत ज्यादा थॉट्स जो है वो डाउन हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, डिप्रेशन कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, पर करना आपको पड़ेगा। इसलिए जिस स्टूडेंट ने वो लिखा है क्रेडिट उसे जाता है, क्योंकि मैंने सबको बताया पर आपने किया, जो कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हॉर्मोन रिलीजिंग LNG20 और प्रोजेस्टा सर्ट होते हैं, बाकी ये तीनों ही कॉपर वाले होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये तो 90 के ऊपर लाओ, ये हुई कुछ बात, 94.5% मार्क। जगरबर्ग यहां क्या कर रहे हैं? प्रनीति, डॉक्टर जयंती, वेरी गुड। चलिए करिए एक और ट्राई क्वेश्चन, करिए 4x4 टेक्निक। रंजीत आप YouTube पर डाल देना मेरा नाम के साथ में, आपको मिल जाएगा उसका वीडियो जो है, बहुत हेल्प करेगी इस समय आपकी नींद को बैलेंस करेगी, स्ट्रेस को बैलेंस करेगी, कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करेगी। प्रोजेस्ट्रॉन अलोन या ईस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में कहां यूज होता है? देखो इंजेक्शन में भी होता है, पिल्स में भी होता है और इम्प्लांट्स में भी होता है। बस पिल्स डेली देनी है, इंजेक्शन 2 या 3 महीने में लेना है और इम्प्लांट 5 साल वाला आता है, 5 ईयर्स का आता है। 81% ने सही दिया। भावेश, ट्विंकल, सूर्य, वेरी गुड। चलो ये करिए 2019, ये लो रिपीट PYQ। 2019 में भी आया है देख लो, और ये देखो अभी 2020 में भी, सॉरी ये 2021 में भी आया था, 2021 और 2019। वॉल्ट्स नहीं होगा, मल्टी लोड नहीं होगा, यहां पे दोनों ही नहीं होंगे, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20C। बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट सही दे रहे हैं, जो गलत दे रहे हैं क्या समझ आ रहा है कहां गड़बड़ हो रही है? 75% भावेश, ट्विंकल, अक्षय, अन्वेषा, वेरी गुड। आइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था 2019 का, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप गड़बड़ कर सकते थे। थैंक यू भावेश, गुरुमा, थैंक यू गुरुमा का स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आंसरिंग कर रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी अपनी बढ़िया स्ट्रांग रखनी है, कट ऑफ के ऊपर जाना है, पर मुझसे मिलने आना है, और ये तो शेरो शायरी हो गई। हॉर्मोन किसमें इन्वॉल्व्ड है? देखो यहां मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है, उसके कारण गोनाडोट्रोपिन सप्रेस होता है, हॉर्मोन इन्वॉल्व्ड है। पिल्स में तो है ही, और यहां पे तो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन या हार्मोन रिलीजिंग डालते हैं। अगर आपको नहीं भी पता, इसमें तो नहीं होता, इसमें तो नहीं होता, और इसमें तो नहीं होता, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा 1, तो भी आंसर निकल जाएगा। 77% ने सही दिया। भावेश, साहिल, एम फॉर नीटियंस, नीट एम्स। चलो ये रहा वो PYQ आउट ऑफ NCERT। NCERT में इस बात का नामो निशान नहीं है। सहेली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती है, कोइटस के बाद नहीं देते हैं, IUD नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें पोल नहीं लगाती मैं, ये तो ऐसे ही बता दोगे आप लोग। 2017 कॉन्ट्रासेप्शन से और इनफर्टिलिटी से आने ही आना है क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस या MTP में से एक से क्वेश्चन आ जाता है। कॉपर का क्या काम होता है? दे सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। रटा पड़ा है हमको। चलो 2016 वासेक्टमी के बारे में रॉन्ग पूछा है। चलो बढ़िया, करिए ट्राई, करो ट्राई जी। हिमांशी, साहिल, सत्यजीत, रामा, श्वेता, दिव्या, मजे आ रहे हैं। एक एक वर्ड हमने अंडरस्टैंड करा है, सारे असर्शन रीजन करे हैं। वासा डिफरेंस कट होता है, इररिवर्सिबल यानी परमानेंट मेथड है। हाँ, सेमिनल फ्लूड सीमन में नहीं आएगा, ये गलत है। एपिडिडाइमस में तो स्पर्म है, वासा डिफरेंस को कट कर रहे हो तो वो फाइनली सीमन में नहीं आएंगे, वो अलग बात है। 52%, ये देखो गच्चा खा गए बेटा, वासा डिफरेंस कट होती है, आपसे फॉल्स पूछा है, वासा डिफरेंस कट होना तो ट्रू है। सत्यजीत ने सबसे पहले दिया, रामा, दिव्या, भावेश, युक्ति, वेरी गुड। चलिए देखो कितना रिपीट होता है, ये देखो फिर से रिपीट हो गया, तीसरी बार, थर्ड टाइम। हॉर्मोन रिलीजिंग IUD, LNG20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट, कितनी बार मैं आपको बता रही हूं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि कितना रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। चलो ये करो, करो ट्राई, मैच द कॉलम, देखो कैसे मैचिंग पूछिए। कम ऑन एवरीबॉडी, प्रीति, सम्या, ज्वेद, श्वेता, नैंसी,
नेक्स्ट क्लास हमारी अगली वेडनेसडे होगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डेंगू चिकनगुनिया भी पढ़ाऊंगी 5 बजे शाम को। थोड़ा लंबा बैठना है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वन शॉट में, बेसिक से लेकर टॉप तक कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डज नॉट गिव डिफाइंड डेफिनेशन, मतलब फॉल्स बताना है। बैरियर मेथड में हीरो हीरोइन को मिलने ही नहीं दोगे तो शादी क्या खाक होगी। इंट्रा यूट्राइन में बिल्कुल कॉपर वाले ये करते हैं, नॉर्मल वाला ये करता है, हॉर्मोन वाले ये तो करते हैं, ये भी करते हैं। अब देखो IUD नहीं बोला तो गोलियां तो हो सकती है ना, पिल्स इंजेक्शन ये भी करते हैं, ये गलत है। ऐसा थोड़ी है गैमेट बनेगा ही नहीं, स्पर्म बनेगा लेकिन सीमन में रिलीज नहीं होगा, रास्ते में पुल तोड़ दिया अपन ने। 59% ने केवल सही दिया। अन्वय एम फॉर नीट एम्स, एवजो सत्यजीत भावेश, देखो बेटा समझो, हॉर्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रा IUD नहीं बोला है, हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें तो पिल्स इंजेक्शन इम्प्लांट कुछ भी हो सकता है। चलो 2015 आउट ऑफ NCERT क्लास में बताया था यूट्रस के रिमूवल को बोलते हैं आउट ऑफ NCERT। चलिए 2014 करिए ट्राई, करिए ट्राई एवरीवन। वेडनेसडे को होगी शाम को 5 बजे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की क्लास लेंगे हम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ट्यूबेक्टमी में हम क्या करेंगे, छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विल बी टाइड एंड कट। चल ये लो जी चौथी बार रिपीट, फोर्थ टाइम रिपीट, हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग, दो ही तो नाम है LNG20 और प्रोजेस्टास्टेरोन। देखा आप लोगों ने मजे आ रहे, देखो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2021, मजेदार क्वेश्चन है, बताइए, करिए ट्राई एवरीबडी। जल्दी से करो ट्राई, याद करा हुआ मत डालना, ऐसा नहीं रटा हुआ है, आता है तो ही करना। चलो आओ इसको समझें अपन, देखो वेनेरियल डिजीज। अब वेनेरियल डिजीज में HIV भी आता है, हेपेटाइटिस बी भी आता है वायरस से जो होता है एक्सेट्रा, तो वो नीडल्स के थ्रू होता है, पर इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू होता है। स्टेराइल तो अच्छी नीडल है, उसके थ्रू तो कोई बीमारी नहीं होने वाली है, तो ए नहीं हो सकता है, तो ये आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि ए नहीं हो सकता है। आया समझ, इसीलिए मैं बोलती हूँ वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, ये देखो कितने सारे लोग जो डी लिख रहे हैं, ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ इससे हो सकते हैं, ये वाले होते हैं इससे, ट्रू बी, तो वैसे भी बी ट्रू है, सी भी ट्रू ही होगा, माँ से बच्चे में ये वाले बिल्कुल जाते हैं, इवन गोनोरिया भी जाता है, इवन सिफिलिस भी जाता है मां से बच्चे में। अब इनहेरिटेंस जेनेटिक तो ऑफ कोर्स नहीं है, ये मेन कंफ्यूजन था ये। अब सुनो बड़ा ध्यान से, एक्चुअली कुछ डिजीजेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो किसिंग के थ्रू भी होती हैं, जैसे एक हर्पीज होता है माउथ का, ओरल हर्पीज, एक साइटोमिगैलो वायरस होता है वो भी किसिंग के थ्रू ट्रांसफर होता है, HIV हेपेटाइटिस भी नहीं होता है, HIV हेपेटाइटिस भी नहीं होता, पर यहाँ HIV हेपेटाइटिस भी नहीं पूछा तो ओवरऑल पूछा है। तो जिन बच्चों ने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया उन्होंने तो बोला कि हाँ किसिंग से भी कुछ होती है और ये आंसर लगा दिया, पर जिन बच्चों ने ओवर थिंकिंग नहीं की, बस NCERT पढ़कर गए, बोला NCERT में तो किसिंग कहीं दिया ही नहीं है, उन्होंने ये आंसर लगा दिया, और NTA ने भी इसी आंसर को माना है। पर कुछ होती हैं, सम होती हैं, जैसे माउथ वाला जो हर्पीज है, साइटोमिगैलो वायरस है, ऐसे कुछ होती भी हैं, पर दिमाग नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल था, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कोशिश करकर NCERT को याद करना, और फिर भी हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन आता भी है ना, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आता है,
उससे कभी सिलेक्शन नहीं रुकता। हल्का सा रैंक ऊपर नीचे हो सकती है पर सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा, घबराना मत। 53% ने सही दिया, निनी, साहिल, भावेश, ट्विंकल, पूजा, मयंक, हनी, एवरीबडी। अच्छे से नोट कर लो, इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 करो ट्राई। मैं पोल नहीं लगा रही हूं, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। चलो, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मलेरिया नहीं है, मलेरिया फिलेरिया भी नहीं है। फिलेरिया से हाथी पांव, वो तो मच्छरनी के काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छरनी के काटने से होता है। कैंसर भी नहीं है, कुछ कैंसर का जेनेटिक बेसिस होता है बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। हालांकि कुछ होते भी है रिप्रोडक्टिव कैंसर, मैंने कहा था ओवर दिमाग मत लगाओ, लेकिन ये तो पक्का 100% है, इसीलिए ठीक है ओवर दिमाग नहीं लगाना अपने को। चलो 2020 ये रहा, देखो एसटीडीज नॉट क्योरेबल, वही तीन घिसे पिटे नाम जहां दिख जाए आपको, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड जेनिटल हर्पीस। चलिए 2019 ये देखो फिर से आ गया, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट। ये देखो एग्जैक्ट 2019 और 20 अगले ही साल रिपीट हो गया है। Not completely curable, एक बार तीनों का कॉम्बो पूछ लिया, एक बार तीन में से कोई एक पूछ लिया। चलिए नाउ 2017 का क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी इनके ऑर्गेनिज्म के नाम नहीं दिए, पैथोजन के नाम नहीं दिए हैं। चलिए मैं पोल लगा देती हूं, डिजीज का नाम दिया है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डिजीज पढ़ रहे हो तो पैथोजन तो पढ़ोगे ही, कौन करता है, करिए ट्राई। गोनोरिया निसीरिया से होता है, ए का टू खड़ा, तो जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसीलिए इतनी तेजी से ए आंसर आ रहा है। सिफिलिस ट्रिपैनोमा हो जाएगा, व्हाट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एड्स एचआईवी वायरस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हो, देना भी चाहिए। 83% ने सही दिया, गौतम, मयंक, मियाओ। चलो ये रहा वो आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर आउट ऑफ एनसीईआरटी पूरी तरह नहीं बोल सकते, एक्टॉपिक वर्ड तो दिया है। एनसीईआरटी वाले चाहते हैं आप एक एक शब्द जब पढ़ें तो आपको उसका मतलब पता हो। यूट्रस के बाहर अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है, आउटसाइड द यूट्रस। नाउ 2015 ये लो जी फिर से आ गया रिपीट पीवाईक्यू। एक बार पूछा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी है, दूसरी बार पूछा कौन सी नहीं है, एक ही बात है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, सिफिलिस है, ये है, ये है, ये नहीं पढ़ी, ये वायरस से होती है, ब्रेन में मेनिनजाइटिस है, मेनिंजस को हमारे ये अफेक्ट करता है। एनीवेज ये रहा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लगाइए कंट्रोवर्शियल, करिए ट्राई। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनाया था, पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था। हां जी वेडनेसडे अगले बुधवार को, आज मैंने नीट प्रीमियर लीग में ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड्स 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए थे। कल उसमें हम एक्सक्रीटरी और लोकोमोशन करेंगे। चलो अब देखो लीगल मेथड का क्या मतलब है भाई, कानूनन क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो कुछ लोगों ने ये माना, एनटीए ने भी यही माना था, मतलब उन्होंने लीगल का मतलब नेचुरल मेथड दे दिया, लेकिन कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा लीगल 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 मतलब वो इलीगल, वो गोली खाना और एमटीपी कराना, वो सारा कुछ घुमा दिमाग लगा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, ये गलत क्वेश्चन है, उल्टा सीधा क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो आप वही आंसर लगाना जो फाइनली आंसर की में आया था। 54% ने सही दिया है, भावेश, अन्वय, ऋतिका, और वो है ये थर्ड वाला। चलो अब आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आता है तो ही कर पाओगे। देखे कितनों को कॉन्सेप्ट आया है, बोनस हो गया था क्या वो, मुझे नहीं पता, लीगल मेथड वाला। अरे अपने बोनस कहने से कुछ नहीं होता, इनकी मर्जी है, एनटीए नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी। सब लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, प्लान्ड वे में पढ़ रहे हो, 10 जगह से तो नहीं पढ़ रहे हो एक ही चीज, एक चीज एक जगह से पढ़नी है, टाइम सेव करना है, प्लान्ड वे में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड, एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर,
गिफ्ट में गैमीट ट्रांसफर होता है। इक्सी, इक्सी मतलब केवल स्पर्म ओवम के अंदर घुसा दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफर जिफ्ट और आईयूटी होता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम गया था अगर उन्हें कंसेप्ट नहीं आता था, पर आप सब तो खैर कॉन्सेप्ट के चैंपियंस हो। हाँ हाँ हाँ, अभी पूरे चैंपियन नहीं हो, 58% ने सही दिया। भावेश, ट्विंकल, मयंक, रमा, देवेश, ज्ञान, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए 2017 का क्वेश्चन, एक्चुअली ये भी ना हल्का सा कॉन्ट्रोवर्शियल था, ज्यादा तो नहीं था, हल्का सा था। क्या मतलब है अभी बताऊंगी, करो ट्राई। इन केस ऑफ अ कपल जहां पर मेल का वेरी लो स्पर्म काउंट है, क्या करोगे? अब देखो, एनसीईआरटी के अंदर ये बात हमने एआई के लिए पढ़ी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक्चुअली हम एआई भी तब करते हैं जब कम से कम 4-5 मिलियन स्पर्म्स तो हों पर एमएल। वैसे क्या होता है, वैसे 1 ml में 100 मिलियन होते हैं, तो कम से कम 4-5 ml तो होने चाहिए, तभी यूट्रस में डालने पर भी चांस होता है कि वो पहुंचे फैलोपियन ट्यूब तक। अगर बहुत कम होते हैं ना, 1-2 मोटाइल है केवल, तो हम लोग इक्सी करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एपिडिडाइमस से वो मोटाइल स्पर्म निकालकर आईयूआई का भी चांस नहीं लेते, एआई का भी चांस नहीं लेते, इक्सी करते हैं। जिसने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, जिसे इतनी नॉलेज थी, उसने ये भी आंसर लगाया, पर जिसने कोई दिमाग नहीं लगाया, इसीलिए मैं बोलती हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल आए, तो सिंपल सोचो, एनसीईआरटी सोचो। एनसीईआरटी की लाइन को अगर हम देखेंगे, एनटीए ने भी यही आंसर दिया था, 80% ने ऑलमोस्ट सही दिया है। राखी, दिव्या, हेमलता, अनवय, वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई, करिए ट्राई, कम ऑन एवरीबॉडी। पीरियड साइकिल कैसे वर्क करती है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो, वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल भर भर के पढ़ाइए। परसों ही लेक्चर दिया है मैंने आपको, वेडनेसडे वाला देख लो इसी प्लेलिस्ट में। मोर देन 16 सेल है तो यूट्रस में डालोगे, Up to 8 cell फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, ये तो more than 16 मतलब more than 8 हो गया यूट्रस। चलिए ये करिए ट्राई, 2015 एक चाइल्डलेस कपल है, उसको गिफ्ट करवाया है उसने, गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ध्यान रखना ये उल्टा सीधा कुछ नहीं है। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, पर केवल जाइगोट नहीं, up to 8 cell एम्ब्रियो भी डाल रहे हैं, फुल फॉर्म्स आने चाहिए। चलो ये करो ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करिए ट्राई, कम ऑन एवरीबॉडी, थोड़ा सा टाइम और, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग आज। एआरटी में आईवीएफ इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, आईवीएफ में 8 सेल से ज्यादा यूट्रस में डालते हैं, तो 16 वाले भी यूट्रस में डालेंगे। ओवम नहीं डलता, वो तो जाइगोट आप पहले ही बाहर बना रहे हो, जाइगोट डालते हैं फैलोपियन ट्यूब में, एक्चुअली जाइगोट या अप टू 8 सेल। तो उस हिसाब से यहां पर जो बेस्ट चॉइस हो जाएगी वो सी, थर्ड हो जाएगा। 59% ने सही दिया, भावेश, पर्पल, ट्विंकल, श्रेया, मयंक, गुड। चल 2013 डायरेक्ट क्वेश्चन है, एआई की परिभाषा पूछ ली है। एआई का मतलब होता है हम इसमें हेल्दी डोनर से वेजाइना में डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओवरी में भी नहीं डालते, वेजाइना में एक्चुअली सीमन डालते हैं बेटा, केवल स्पर्म नहीं सीमन पूरा डालते हैं, इनसेमिनेशन। बट आप मोटी मोटी बात कह सकते हैं कि एक्चुअली सीमन में हमारा पर्पस तो स्पर्म डालने का, इसीलिए डी। चलो नाउ 2023 रिपीट PYQ, फिर से रिपीट हो गया, इज कंप्लीटली क्योरेबल। एक बार इनकम्प्लीटली, एक बार आया नॉट कंप्लीटली क्योरेबल में एक डिजीज, एक बार आया नॉट कंप्लीटली क्योरेबल में तीन के कॉम्बिनेशन, और ये तीसरी बार रिपीट हो गया 2023 में, इज कंप्लीटली क्योरेबल। गोनोरिया ये नहीं होती, ये इनक्योरेबल वाली STIs, राइट। चलिए 2023 का एक और क्वेश्चन, assertion statement wise question, करिए try, assertion reason, करिए try, word by word पढ़ना, एक एक word पर answer अलग हो जाता है, change हो जाता है। हम Wednesday मिलेंगे उसके बाद इस series के अंदर,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे शाम को 5 बजे। हाँ जी, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ आरसीएच। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करते एमनियोसेंटेसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो बैन है इस पे। हाँ, कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो तो अलग बात है, वरना नहीं करते। खेल खत्म, पैसा हजम, ये लो बैन है, ताकि इंक्रीजिंग फीमेल पीटीसाइट को चेक किया जाए यानी रोका जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिलीव मी इसको बोथ ट्रू करकर और बहुत टाइम वेस्ट किया था। इसीलिए मैं बोलती हूं वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, वो क्या पूछना चाह रहे हैं तब समझ आएगा। 67% ने सही किया, मयंक, ट्विंकल, भावेश, साहिल, सत्यजीत। चलिए नाउ एक और क्वेश्चन 2023 का, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 2023 का। मैच द कॉलम। पीसीओडी की इंफॉर्मेशन बेटा यहां नहीं दे सकती हूँ, एक हार्मोनल इंबैलेंस है, बस इतना समझ लो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आप अपने गायनेक को रेफर करिए, वेट कंट्रोल करना होता है इसमें, हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं, साइकिल्स इंबैलेंस होती हैं, इससे ज्यादा यहां नहीं बात कर पाऊंगी। चलो, वासेक्टमी एक सर्जिकल मेथड है। कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आ गया, ए का 3, ये आंसर्स नहीं होंगे। कोइटस इंटरप्टस एक नेचुरल मेथड है। खेल खत्म, ये हो गया आंसर, डन। सर्वाइकल कैप्स बैरियर मेथड हो गया, और सहेली ओरल मेथड है, मुंह से गोली है खाने वाली, इसका आंसर सी हो जाएगा। काफी लोग सी आंसर ऑलरेडी दे भी रहे हैं। अरे वाह, लास्ट क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा 95% ने करेक्ट दिया है, साहिल, भावेश, देवेश, ट्विंकल, मयंक, वेरी गुड। तो इसके साथ ही हमारा बहुत प्यारा, बहुत स्कोरिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी। आप में से कई स्टूडेंट्स जो मुझसे जूलॉजी पढ़ रहे हैं, उन्हें डेंगू चिकनगुनिया पढ़ना था जो अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ाया, वो भी इस दिन पढ़ाऊंगी। आपने जहां जहां जो जो कमी हुई है, जो जो याद नहीं है, उसे आज ही याद करना, आज के बाद ही चैप्टर अब दोबारा उठाना नहीं पड़े अपने को, ये अपना टारगेट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। घबराना नहीं है, डर आएगा, डर को आने दो, प्लान वे में पढ़ते जाना है, अभी टाइम है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर में एक टीचर को फॉलो करो और वहीं से रिविजन करो, 10 जगह से नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक्स का। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं वेडनेसडे को।